हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। ये आज की क्लास में हम लोग जो है वो रिवाइज करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स का एक नया चैप्टर या नया सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अपना जो पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर यूनिट नंबर 2 है, तो यूनिट नंबर 2 जो है हमारा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो ये जो अपने बुक है इसको जो है वो आज की क्लास में हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। टोटल मिला के 3 लेक्चर जो है रिविजन के हम अकाउंटिंग ऑडिटिंग पर लगाएंगे। 2 लेक्चर तो लगेंगे अकाउंट्स के। आज के लेक्चर के अंदर हम 1 से लेके 5 चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 से लेके 11 चैप्टर करेंगे अकाउंट्स के, और एक लेक्चर हम लोग पूरा का पूरा जो है वो लगाएंगे किसके ऊपर, ऑडिटिंग पे। तो टोटल मिला के 3 लेक्चर के अंदर हम लोग जो है अपना पूरा का पूरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है इसका जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूं अपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो ये लगभग लगभग जो है वो 225 पेज की जो है अपनी बुक है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की। इस बुक के अंदर जो भी कंटेंट था उसको हम लोगों ने जो है वो टोटल मिला के अकाउंट्स की 11 चैप्टर बनाए, और एक टॉपिक हमने बनाया ऑडिटिंग का, जिसके अंदर बेसिकली 95 पेजेस का वो हमने चैप्टर बनाया था। तो मैं दिखा देता हूं एक बार, ये हमारा इंडेक्स था। तो फर्स्ट चैप्टर अपना जो था वो था किसका, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स का। सेकंड है अपना पार्टनरशिप, थर्ड है अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फोर्थ है अपना होल्डिंग कंपनी, फिफ्थ अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्स है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सेवंथ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का, एट्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, नाइन्थ है आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, टेंथ है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और इलेवंथ है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसी के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी डाला गया है। और आखिरी जो चैप्टर है वो है अपना किसका, ऑडिटिंग का। तो लगभग 95 पेजेस का जो है वो ऑडिटिंग का जो टॉपिक इसके अंदर डाला गया है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो ओवरऑल मिला करके जो है वो 150 लगभग पेजेस के तो अकाउंट्स है, और रिमेनिंग जो रह गया वो क्या रह गया आपका, ऑडिटिंग का। ओके हां जी सर। तो अब अपने को जो है वो क्या करना है, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज करना है। अब अगर मैं खाली अकाउंट्स की बात करता हूं, एक बार ऑडिट को मैं जो है वो साइड में करता हूं, तो ओनली अकाउंट्स के ऊपर हमने जो है टोटल 39 लेक्चर जो है वो लगाए, मतलब 40 लगा लीजिए। तो हमने जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है कैसे कंप्लीट किया, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक था वो 2 लेक्चर उस पे लगाए थे, पार्टनरशिप पे 6 लेक्चर लगाए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे 7 लगाए, होल्डिंग कंपनी पे 3 लेक्चर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसके अंदर कैश फ्लो फंड फ्लो रेशियो उस पे 4 लेक्चर लगाए, इसके बाद में अपना जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे 5 लेक्चर लगाए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर 1 लेक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे 2, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इसके ऊपर टोटल 5। तो ओवरऑल मिला के 39-40 लेक्चर का जो हमने काम किया है उसको हम लोग 2 लेक्चर के अंदर जो है वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो आईबी की इंटरनेशनल बिजनेस की रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2022 में जो पेपर होना उसके लिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था। तो रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग जो है वो अभी तक आईबी कर चुके हैं। अब सेकंड वीडियो जो है वो आ रही है किसका, आपके अकाउंटेंसी का। ओके, इसके बाद फिर आगे जो रिमेनिंग हमारे जो चैप्टर बचे हुए हैं, जो टॉपिक हमारे हैं, तो उनकी वीडियो भी साथ के साथ में आएगी। ओके जी सर। तो आज हम लोग जो है अभी जो अकाउंटेंसी रिवाइज करेंगे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो चीज हम लोगों ने 40 लेक्चर में की उसको 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। तो बट नेचुरली कि अपना स्पीड जो रहेगा थोड़ा सा फास्ट रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक बार जो है ऊपर से आपको जो है वो रिवाइज करवा दूं, जिससे आप जब इसको रीडिंग करना शुरू करोगे तो एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका गो थ्रू हो जाएगा, और क्लासरूम के अंदर हमने जो भी किया था वो सब आपको याद आ जाएगा। ओके जी सर। जो हमने आपको अकाउंटेंसी का बुक हमने प्रोवाइड किया था पूरा अमेंडमेंट के साथ मैंने दिया था, हर एक कॉन्सेप्ट को इसके अंदर मैं डाल दिया था। इस बार कुछ चेंजेस भी हमने इसमें किए थे, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने चेंज कर दिया, पार्टनरशिप में काफी सारी चीजें हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा जो हमने चेंज किया, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग के भी बहुत सारे फॉर्मूला जो है इसके अंदर और भी इनकॉर्पोरेट करे। तो आपको जो ये बुक दी हुई है यही बुक आपको जो है वो करके जानी, इसके अलावा कोई भी बुक जो है वो आपको पढ़ने की नीड नहीं है। और जो ऑडिटिंग है वो भी इस बुक में जो दिया हुआ है मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है ना जी सर। तो आइए अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग का टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है। आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं सर, आज की क्लास में ये शुरुआत के ये जो 5 चैप्टर है ये यहां तक का टॉपिक हम लोग जो है वो आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके जी। और रिमेनिंग 6 से लेके और 11 तक का टॉपिक जो है वो करेंगे नेक्स्ट में, और फिर एक क्लास लगाएंगे किसके ऊपर, ऑडिटिंग के ऊपर। ओके जी सर। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग जो है सबसे पहले चैप्टर से। सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है वो है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट ये टॉपिक है अपना। तो देखिए अकाउंटिंग की नीड क्या थी, तो सबसे पहले तो ये है, देखिए बिजनेसमैन जो है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो भी वो पूरे दिन में करता है या पूरे हफ्ते में करता है या पूरे महीने में करता है, वो उस सारी ट्रांजेक्शन को याद रख पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जरूरत पड़ा किसका, अकाउंटिंग का। तो इसीलिए जो है वो बिजनेसमैन ने ये सोचा कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो
है मैं डे टू डे बेसिस पे करता हूँ वो सारी ट्रांजेक्शन मुझे याद नहीं रहती है, और अगर मैंने किसी को उधार सामान दे दिया तो उसे मैं अगर भूल गया तो मेरा जो है रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो इसलिए वहां पे जो है जरूरत पड़ी किसकी, अकाउंटिंग की, ठीक है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग में तो आपको क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत दिन पूरे दिन में बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो है वो याद कर पाना और टाइमली बेसिस पे उसको रिकॉल कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए हम लोग जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उन सबकी जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक अकाउंटिंग साइकिल को यूज करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, जो भी ट्रांजेक्शन है और किस नेचर की है, फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है उस सारी की सारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे एक ही बुक में जिसको बोलते हैं जर्नल, और अगर बिजनेस का साइज बिग है तो वहां पे हम जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे किसके अंदर, सब्सिडरी बुक्स के अंदर, ठीक है जी। अब जर्नल करने के बाद में अब उसके बाद में हम लोग जो है वो करेंगे उसका क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम लोग करते हैं लेजर पोस्टिंग, फिर लेजर पोस्टिंग पूरे साल, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग का काम पूरे साल चलते रहते हैं, और जब साल का एंड होता है तो उस टाइम पे जो है वो क्या होता है, जो लेजर्स होते हैं उनकी क्लोजिंग कर दी जाती है, और उनका जो बैलेंस आता है उसको हम एक अलग से एक ट्रायल बैलेंस करके स्टेटमेंट बनती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट ऑन करते हैं, फिर बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर आपके बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बनेगी बैलेंस शीट, और यही चक्र जो है वो पूरे साल चलते रहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग साइकिल, ओके सर। अब यहां पे है मीनिंग अकाउंटिंग का, क्या अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, और इंटरप्रेट करते हैं किसको, रिजल्ट को। तो अकाउंटिंग में क्या क्या कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन का, क्लासिफाई कर रहे हो लेजर्स के अंदर, समराइज कर रहे हो उसको टीबी में, उसको एनालाइज कर रहे हो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना करके, और एनालाइज करो बिजनेस ट्रांजेक्शन को, और साथ में क्या करो, जो आपके रिजल्ट है उनको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। बोलते हैं अकाउंटिंग में ओनली वही ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है जो किस नेचर का होता है, फाइनेंशियल नेचर का, और जिसको मनी टर्म्स के अंदर जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग डेफिनेशन दे रखी है, इसको हटा दीजिए, इसके बाद में आएगा आपका फीचर गैप। अकाउंटिंग का सबसे पहला फीचर जो है वो ये है, अकाउंटिंग साइंस भी है और एज वेल एज आर्ट भी है। साइंस इसलिए क्योंकि इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है वो अपने को फॉलो करने होते हैं, और आर्ट इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली जो है हम बेस्ट वे ढूंढते हैं क्या करने का, रिकॉर्डिंग करने का। इसके बाद यहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ओनली फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। थर्ड, रिकॉर्डिंग करते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब यूनिट, किसी अदर यूनिट के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। फोर्थ, क्लासिफिकेशन या प्रिपरेशन करते हैं किसका, अकाउंट्स का, वो तो आपको सब्सिडरी बहुत सारे जो है वो हम क्या करते हैं, लेजर्स जो है वो अलग अलग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में समराइज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किसको, फाइनल रिजल्ट को। तो पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के हम लोग जो है वो क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं किसको, फाइनल रिजल्ट को। इसके बाद एनालाइज भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किए तो उनसे हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। लाइक बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज हम निकालते हैं और उन रेशियोज के बेस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या एक फॉर्म जो है वो एप्रोप्रिएट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इफेक्टिवली अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद ये क्या, जो अपने रिजल्ट निकल के उनको जो है वो बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं, वो मतलब जो रिजल्ट आपने निकाल दिए, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पुट ऑन करके और आपने जो रिजल्ट निकाले, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो रिजल्ट निकल के आया, वो एक तरह से इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जा रहा है जो भी स्टेक होल्डर है हमारे, ओके। अब एक आता है कॉन्सेप्ट बुककीपिंग का। बुककीपिंग बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये बुककीपिंग के अंदर क्या आएगा, तो देखिए अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग बातें लिखी गई है, लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, बुककीपिंग के अंदर आता है रिकॉर्डिंग का काम, रिकॉर्डिंग जो आप बेसिकली करते हैं किसके अंदर, जर्नल के अंदर, और उसके बाद क्लासिफिकेशन का काम। तो इसका मतलब ये हो गया, जो जर्नल में एंट्री करके और लेजर में पोस्टिंग करने का जो काम होता है ना, वो सब आता है किसके अंदर, आपके बुककीपिंग के अंदर। तो बुककीपिंग बेसिकली जो है वो पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। तो रूटीन फंक्शन होता है बुककीपिंग का, और अकाउंटिंग जो है उसमें क्या आएगा, जो लेजर में पोस्टिंग कर दिया गया था उसके बाद उसकी क्या लास्ट में बैलेंसिंग करना, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, लेजर में पोस्टिंग करना, और उसके बाद जर्नल में एंट्री करके और लेजर में पोस्टिंग करना। लेजर में पोस्टिंग करने का काम जो है वो आता है किसके अंदर, आपके बुककीपिंग में। लेकिन उसकी बैलेंसिंग का जो काम होता है, जो साल के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं और फिर जितने भी बैलेंस होते हैं अलग अलग लेजर्स के उनको हम टीबी में लेके जाते हैं, देन उसके बाद में हम लोग जो है उसे पी एंड एल अकाउंट और स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, ये सब काम आता है किसके अंदर,
अकाउंटिंग के अंदर, किस में आता है अकाउंटिंग में। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक है आपका बुक कीपिंग, एक है आपका अकाउंटिंग और एक होता है आपका अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में काम कहां तक आएगा, लेजर में पोस्टिंग तक का काम आएगा, लेजर की बैलेंसिंग भी जो होती है वो भी होती है किसके अंदर, आपके अकाउंटिंग में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो लेजर पोस्टिंग तक का काम ओनली किसमें, बुक कीपिंग में, और उसके बाद का सारा काम आएगा किसमें, अकाउंटिंग में। हालांकि अकाउंटिंग के अंदर ये सब काम भी आता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल लेजर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, ये सब काम किसके अंदर आ रहा है आपका, बोलो, ये सब काम जो है सर हमारा आ रहा है किसमें, बुक कीपिंग में, और उसके आगे का काम जो आ रहा है किसमें, अकाउंटिंग में। बट बुक कीपिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। तो सर ये अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी बेसिकली आपको जो है वो क्या करती है, प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करती है, जिनको यूज करके आप लोग जो है वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशन का या जिन प्रिंसिपल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटेंसी, ठीक है सर। इसके बाद हमें पता रखें बुक कीपिंग के कुछ अपने फीचर थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकते हैं। बुक कीपिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है जी। बुक कीपिंग में हम क्लासिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, ठीक है जी। रिकॉर्ड करते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, ठीक है जी। रिकॉर्ड करते हैं टर्म्स ऑफ मनी, यस। रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, इसका मतलब डेट वाइज में रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग इन ए सिस्टमेटिक मैनर। और बुक कीपिंग हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजिशन को, ठीक है जी। अब बुक कीपिंग जो है वो एक प्रोसेस है, और आपको मैंने बता दिया ये, इसको यहां से काट दीजिएगा, और बस आप ये ध्यान रखिएगा कि लेजर, लेजर पोस्टिंग तक का जो काम होता है ना वो सब आता है किसके अंदर, आपके बुक कीपिंग में, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आइए स्कोप, बुक कीपिंग जो है उसका स्कोप क्या होता है, नैरो होता है, जबकि अगर बात करूंगा अकाउंटिंग का तो उसका स्कोप जो है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। नेचर, बुक कीपिंग जो है वो कैसा होता है, क्लेरिकल इन नेचर होता है, मतलब रूटीन फंक्शन होता है। वही अगर बात करूंगा अकाउंटिंग का तो अकाउंटिंग जो है वो कैसा होता है आपका, अकाउंटिंग जो है क्लेरिकल नेचर का नहीं, इसका काम होता है एनालिटिकल नेचर का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं बल्कि इसमें समरी स्टेटमेंट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट भी करते हैं। इसीलिए यहां पे जो काम रहेगा वो कैसा रहेगा, एनालिटिकल। फिर स्टेजेस, बुक कीपिंग जो फर्स्ट स्टेज है और जो आपका अकाउंटिंग है वो सेकंड स्टेज है। कौन परफॉर्म करता है बुक कीपिंग का काम, जनरली बुक कीपर परफॉर्म करता है। वही अगर बात करूंगा अकाउंटिंग तो उसका काम जो है वो कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। पर्सनल जजमेंट, बुक कीपिंग के अंदर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है, तो वहां पे पर्सनल प्री जुडाइस आपका वर्क नहीं करता। वही अगर बात करूंगा अकाउंटिंग का तो अकाउंटिंग का काम होता है एनालिटिकल नेचर का, और जहां पे एनालिटिकल आ जाएगा तो वहां पे सब्जेक्टिव चीजें जो है वो राइज होती है। आगे स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, बुक कीपिंग के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्पेशल नॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसके लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है। आगे नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, बुक कीपिंग डज नॉट थ्रो द लाइट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग जो है वो फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो बताती नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग में ओनली रिकॉर्डिंग का काम आएगा या लेजर पोस्टिंग का काम आएगा। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए, क्या क्या बैलेंस शीट बने, क्या नहीं, तो अगर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी तो वो किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट से। आगे डिपेंडेंसी, बुक कीपिंग जो डिपेंड है अकाउंट, बुक कीपिंग हैज टू डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग टू मेक द रिकॉर्ड मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल, एंड अकाउंटिंग हैज टू डिपेंड ऑन द बुक कीपिंग। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो बुक कीपर जो है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग वर्क, लेकिन जो अकाउंटेंट होता है वो आपके बुक कीपिंग के लिए भी जो है वो बुक कीपिंग के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे अब अकाउंटेंसी क्या होती है, अगर बात करेंगे अकाउंटेंसी क्या, तो अकाउंटेंसी एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, वेयर एज अकाउंटेंसी इंक्लूड सम कॉमन प्रिंसिपल। तो बोलता अकाउंटिंग तो एक आर्ट है जिसमें हम जो है फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। वही अगर बात करूं अकाउंटेंसी का तो अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, जिनको फॉलो करके हम लोग ये सब रिकॉर्डिंग वाला काम करते हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए जिन प्रिंसिपल्स को आप लोग फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अकाउंटेंसी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आया कि प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग। तो देखिए जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अकाउंटेंट्स के सामने जो है वो आने लगी। अब उन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढा गया, जब सोल्यूशन ढूंढा गया तो बाकी अकाउंटेंट भी जो है वो उनको क्या किया, उनको एडॉप्ट करना स्टार्ट किया, और जब यूनिवर्सली वो सब सोल्यूशन को एडॉप्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया तो वो क्या बन गया, आपके प्रिंसिपल बन गए। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स जो अकाउंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है जब उसका यूनिवर्सली क्या कर लिया, एडॉप्शन कर लिया, सभी लोग उसी तरीके से जब काम करने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आइएगा देखते हैं एक बार थोड़ा सा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली जो है वो क्या रूल्स है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहां पे जो लिखा था इसको समझिएगा। बोलते हैं इन दी पास अकाउंटेंट हैज टू कन्फ्रंट, अकाउंटेंट के सामने बहुत सारी क्या आई, अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, विच दे फाउंड सोल्यूशन, जिसका उन्होंने क्या ढूंढा था, सोल्यूशन ढूंढा था। एंड दी सोल्यूशन व्हेन एक्सेप्टेड बाय अदर अकाउंटेंट बिकम्स रूल, और जब उस सोल्यूशन को बाकी अकाउंटेंट ने क्या कर लिया,
एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया, रूल्स बन गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम और कुछ वक्त के हिसाब से ये जो रूल्स हैं उसको यूनिवर्सली क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और वो क्या बन गया, आपके प्रिंसिपल्स बन गए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नीदर स्टैटिक, ना तो वो स्टैटिक और ना ही वो कन्फाइंड है, इसका मतलब वो लगातार चेंज होते रहते हैं। कीप चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस सर्कमस्टेंस। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर कैसा है, पहली बात तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है, ठीक है, मतलब हर जगह जो है इक्वली उनका अडॉप्शन होता है। सेकंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैनिपुलेट है और ये डिराइव किए गए किससे, एक्सपीरियंस से एंड रीजन से, ओके। तीसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, मतलब ये डायनेमिक है और बदलते एनवायरमेंट के हिसाब से ये भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आगे, जनरल एक्सेप्टेंस जो है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। पहला, रेलिवेंसी, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनमें तीन एस्पेक्ट होने चाहिए। पहला, रेलिवेंसी जो है वो ये बोलता है कि रिजल्ट जो है इन इन्फॉर्मेशन डेट इज यूजफुल होना चाहिए सभी यूजर्स के लिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, फिजिबिलिटी, इसका मतलब यह है कि आप उसको बिना किसी अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी के जो है वो आप उसको एडॉप्ट कर सको। तो ये सब उसके अंदर जो है फीचर होने चाहिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन जो है, अब ये क्या चीज है आइए देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है वो तो उनका हर कोई जो है उसको क्या करेगा, रूल्स है और उनको अडॉप्ट करेंगे। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन होती है आपके फाउंडेशन। जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो आपके GAAP होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से होते हैं, तो उनको आप लोग अकाउंट्स बनाने में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग, अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है वो सबको सेम मीनिंग प्रोवाइड करे, तो उसके लिए जो है वो क्या है, बहुत सारे अकाउंटेंट एग्री होते हैं ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट विच आर यूजली फॉलो किया जाता है फॉर प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, फाउंडेशन है फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ और अजम्पशन। तो कोई भी पर्सन जो भी अकाउंटिंग करेगा तो वो इन सभी के सभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन को यूज करेगा। अब ये क्या है, सबसे पहला बोलता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है कि बिजनेस जो है उसको ट्रीट किया जाता है एज ए यूनिट सेपरेट, अपने किससे, ओनर से। तो बेसिकली बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के दोनों जो है वो क्या है, अलग है, ठीक है जी। दूसरा जो है वो क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और उन्हीं इवेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स के अंदर जिसको आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो है ये अज्यूम करेंगे कि बिजनेस आपका जो है वो लंबे पीरियड तक चलता रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है देखिए वैसे तो ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस जो है बिजनेस का वो तो पता तभी चलेगा जब आप बिजनेस को वाइंड अप करोगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप उम्र बिजनेस को चलाते रहे और एट दी एंड में पता चला कि वो लॉस में, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो ये बोला गया कि आप जो है वो बीच में कुछ इंटरवल के बाद में जो है वो क्या करोगे जो आपके बुक्स और अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करते रहोगे और देखते रहोगे कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है। अब कितने समय में क्लोज करना है उसी को बोलते हैं आप लोग अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि हम जो है वो क्या करेंगे कुछ पीरियड के बाद में, मतलब वो जो अकाउंटिंग पीरियड रहेगा उस समय के अंदर हम लोग जो अपने बुक्स और अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करेंगे और एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको हम लोग जो है चेक करेंगे। तो जनरली जो है वो 1 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड जो है वो इसके अंदर काउंट किया जाता है। फिर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी एसेट्स को आप लोग परचेस करेंगे उसकी आप जो है करंट वैल्यू पर ना ला के उसके हिस्टोरिकल वैल्यू पर उसकी एंट्री करेंगे, मतलब जिस प्राइस पे आपने उसको परचेस किया उस रेट के ऊपर आप उसको लिखेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये बोलता है कि बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे उसके 2-फोल्ड इफेक्ट होते हैं, एक होगा उसका डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे। और अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। फिर जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब कैश मिलेगा तब करोगे या जब आप सेल कर दोगे तब करोगे। तो ये बोलता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज उस दिन किया जाएगा जिस दिन आपके हाथ से जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे कैश कभी भी मिल रहा है उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि करंट ईयर की जो आपके एक्सपेंस है उनको करंट ईयर की इनकम से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, उनको बेफालतू के अंदर डेफर नहीं करेंगे। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट दोनों पे है। देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो ये बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मतलब सेल को कब रिकॉग्नाइज करोगे, तो सेल को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जितने भी आपके खर्चे हैं जितने भी आपकी इनकम है उन सबको जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो कैश बेसिस पे ना करके किस पे करोगे, accrual basis पे करोगे। Objective concept क्या बोलता है कि जो भी आप business, जो भी आप accounts अपने prepare करोगे, जो भी financial statements को आप prepare करोगे, वो subjective होके बिल्कुल भी नहीं करोगे, objective way में करोगे। इसका मतलब जो है वो पक्षपात
नहीं करोगे। फिर है आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो है जो रूल्स नहीं है, आप ध्यान से समझना, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो रूल्स नहीं है। इनको डिफाइन किया गया कस्टम, ये बेसिकली क्या है, कस्टम है या ये जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है जिनको एडॉप्ट किया जाता है बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग द अकाउंटेंट। अब जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है वो एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ा इनको इसी वे के अंदर सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। चलो जी, अब ये देखो क्या बोलते हैं, बोलता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो थे वो एस्टेब्लिश किए लॉ ने, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो जनरल गाइडलाइन से जो कस्टम है बेसिकली, मतलब ये रिवाज है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाज हो सकता है। देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायसनेस इन द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो ऊपर हमने 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अंदर पर्सनल जजमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन में पर्सनल जजमेंट जो है वो रोल प्ले करती है। आगे देयर इज ए यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बोलता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो एडॉप्शन है वो कैसे यूनिफॉर्म है, हर कोई जो है वो एक तरीके से इसको अडॉप्ट करता है, जबकि अगर मैं बात करूंगा अकाउंटिंग कन्वेंशन का तो उनका जो एडॉप्शन है वो यूनिफॉर्म नेचर का नहीं है। अब ये कितने हैं, चार तरह के हैं। सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोलती है कि बिजनेस के अंदर होने वाली जो भी ट्रांजेक्शन, छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन, बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो आपकी जो है वो डिपिक्ट हो सके। इसके बाद अगला आया कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये बोलता है कि जो भी आप अपने बिजनेस के अंदर बेसिकली जो भी रिकॉर्डिंग करते हुए आप जिन भी मेथड्स को यूज करेंगे, जो भी अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करेंगे, चाहे गुडविल निकालने के लिए जिस मेथड को यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का आप WDV मेथड यूज कर रहे हो, स्टेटलाइन मेथड यूज कर रहे हो, तो उस मेथड को आप क्या करोगे, कंसिस्टेंटली जो है वो क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो ये बोलता है कि जो भी मेथड आप लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे अपने बिजनेस में रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उनको आप कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, उनके अंदर बारी बारी चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस के अंदर जो भी आपके फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है उन सब की रिकॉर्डिंग आप जो है वो अभी कर लेंगे और फ्यूचर में होने वाले इनकम को आप अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब आप प्रूडेंट होकर काम करेंगे, आप कंजर्वेटिज्म में काम करेंगे, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से काम करेंगे, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई एक ट्रांजेक्शन से अपने को लॉस हो सकता है तो आप अभी से उसका जो है वो प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। और लेकिन अगर लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट भी हो सकता है उसका कुछ भी नहीं करना, वो तो जब एक्चुअल में रियलाइज होगा तभी उसकी रिकॉर्डिंग किया जाएगा। इसके और इसीलिए ना आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन किस पे होती है, उसकी वैल्यूएशन जो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, इसलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाते हैं और इसलिए हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी लेकर चलते हैं। और उसके बाद में कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी, कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी जो है वो ये बोलता है कि हम जो है वो क्या करेंगे, ये एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोला था कि हर एक आइटम को जो है वो क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी ये बोलता है कि ओनली मटेरियल आइटम को ही जो है वो क्या करना, सेपरेटली शो करना। इसका मतलब जो फुल डिस्क्लोजर है वो तो बोलता है सब कुछ दिखाओ, और मटेरियलिटी ये बोलता है कि सब कुछ मत दिखाओ, क्योंकि अगर आप सब कुछ छोटे छोटे आइटम को भी सेपरेटली अगर शो करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपके जो बैलेंसेज है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप जो है वो छोटे छोटे आइटम को क्या करना, इग्नोर। अब इग्नोर का मतलब ये यहां पर यह बोला गया कि आप या तो उनको, अगर आपको लगता है बिल्कुल ही मामूली है तो उनको आप इग्नोर ही कर देना, मतलब अगर आपको लगता है कि ये ऐसे आइटम्स है जिनका डिसीजन मेकिंग में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो उसको आप इग्नोर ही कर देना, नहीं तो आप जो है वो क्या करोगे, उनका ग्रुपिंग करके उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी में ये बात ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है किसका, ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। ओके जी सर, लो जी ये हो गया जी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब बात आती है आपके चैप्टर नंबर सेकंड की। चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो बात करते हैं किसका, पार्टनरशिप अकाउंट का। अब पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, पता है क्या, इसके अंदर हम बेसिक फंडामेंटल भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम एडमिशन भी पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसमें हम जो है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, इसमें बेचारे पार्टनर की डेथ भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन भी पढ़ेंगे, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपने को जो है वो कवर करना है, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखो वैसे तो हमने 6 से 7 लेक्चर्स पे लगाए थे, लेकिन अभी जो है वो एक ही, अभी आधे से पौने घंटे में अपने को ये पूरा पार्टनरशिप खत्म करना है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है वो हम करेंगे, तो आप थोड़ा ना माइंड एकदम कंसंट्रेट करके करिएगा। ओके तो बीच बीच में उठना मत, आराम से खाना पीना साथ में लेके बैठो, अगर अभी नहीं लिए तो वीडियो को एक बार रोक दो, खाना पीना साथ में लेके बैठ जाओ ताकि बीच में उठना ना पड़े, किताब को तो सामने खोल के बैठो, ठीक है ना जी सर। चलो शुरुआत करते हैं।
पार्टनरशिप की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्यों करते हैं? पहली बात देखो, सोल प्रोप्राइटर की ना अपनी अपनी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। अकेला बंदा जो है वो इतनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, अकेला बंदा जो है इतना रिस्क भी नहीं उठा पाता, तो इसलिए उसको लगता है कि क्यों ना एक काम किया जाए कि एक किसी और पर्सन को भी साथ में एंगेज किया जाए और फिर खुल के जो है बिजनेस एक्टिविटी को किया जाए, ताकि रिस्क भी मेरा क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो पार्टनरशिप जो है वो क्या, पार्टनरशिप एक रिलेशन बिटवीन पर्सन जो एग्री हुए कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ओन या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग मिलकर ही बिजनेस करेंगे। ऐसा हो सकता है कि दो लोगों ने पैसा तो लगा दिया लेकिन बिजनेस एक ही पर्सन कर रहा है, ये भी क्वाइट पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, मेन फीचर क्या है पार्टनरशिप का? पहला, टू और मोर पर्सन है। दूसरा, एग्रीमेंट होता है। तीसरा, एग्जिस्टेंस होता है किसका, बिजनेस का, और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। चौथा, शेयरिंग होगा किसका, प्रॉफिट का। पांचवा, रिलेशनशिप होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई एक पार्टनर, अगर मान लो मार्केट में कोई भी एक एक्ट करके आएगा पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाव पे, तो वो बाकी पार्टनर्स को भी उससे क्या कर देगा, बाउंड कर देगा। इसका मतलब अगर मैं और आप दोनों पार्टनर हैं और अब मैं अगर मार्केट से जो है वो 1 लाख रुपए उधार ले आया और किसके नाम का ले आया, फॉर्म के नाम पर ले आया, तो आप भी उस 1 लाख रुपए के लिए जो है वो बाउंड हो गए हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, प्रिंसिपल्स और एजेंट का होता है। आगे, बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये चांसेस है कि बिजनेस को एक अकेला बंदा इसको कनेक्ट कर रहा है या सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। आगे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप जो है वो चलती है किससे, एग्रीमेंट से। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है, अगर वो नहीं बनाया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ रूल्स है वो एप्लीकेबल होंगे अगर आपके पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, साइलेंट है। पहला, PSR बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा सभी पार्टनर्स पे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डूइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी ऑफ टू ए पार्टनर नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो 6% की रेट से जो है वो इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा ओन पार्टनर लोन टू द फर्म। तो या तो रेट बता रखा हो, अगर रेट नहीं बताया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फिर क्या होगा, 6% की रेट से जो है वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा किसको, पार्टनर को। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सभी पार्टनर से पूछ के किया जाएगा, हर पार्टनर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इन द कनेक्ट ऑफ बिजनेस और हर पार्टनर जो है वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इट शुड बी रिमेंबर दैट पार्टनर में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजन बाय कमिंग टू द कॉमन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करके पार्टनर किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर जो है वो कौन कौन से खाते बनते हैं, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप के अंदर जो है वो P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, P&L अकाउंट भी बनता है, और P&L से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को लेके जाया जाता है कहां पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां पे बंटवारा किया जाता है। पार्टनर्स के बीच में जो भी बंटवारा होगा वो सब कहां पे होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में होगा। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे हम लोग जो है वो प्रॉफिट लिखेंगे, जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और यहां पे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आएगा। पार्टनरशिप फर्म की इनकम का क्या हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर जो है वो क्या करता है, ड्रॉइंग करता है, तो उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म जो है उसे क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। तो यहां लिखा जाएगा, इस सबको जोड़ लो और इसमें से अब माइनस किया जाएगा क्या, जो आप पार्टनर को पेमेंट करोगे, पार्टनर को कोई सैलरी पे किया, पार्टनर को कोई कमीशन पे किया, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पे किया ऑन द पार्टनर कैपिटल पे, पार्टनर को कोई रिजर्व जो है वो ट्रांसफर किया, कोई रिजर्व में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब आएगा अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके आइसोलेशन में। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अब देखिए, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर कितना ब्याज दिया जाएगा, या तो एग्रीमेंट हो गया कि भाई 10%, 12%, 15% जो भी, और अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 6% पर NM की रेट से जो है उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा, ये चार्ज रहेगा। दो चीजें होती है, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, और अगर एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट है तो ही पेमेंट होगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो क्या है, वो एक चार्ज है, और चार्ज है, इसका मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का पेमेंट तो हमेशा करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, चार्ज करेंगे प्रॉफिट से, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो P&L अकाउंट के तो डेबिट साइड में आएगा, और पार्टनर का एक सेपरेट लोन अकाउंट ओपन होगा, उसके अंदर ये एंट्री जो है वो ट्रांसफर होगी। तो क्या बोलते हैं, इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस। चाहे फर्म को लॉस हो जाए तो भी पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अब ये बात ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन ले ले, उसका ट्रीटमेंट क्या, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो ये क्या बोलता है, तो यहां पे क्या होगा,
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। तो यहां पे क्या होगा, हेंस इंटरेस्ट चार्ज जो है वो लोन पे किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसा होगा, ये फर्म के लिए फायदा है, क्योंकि अगर फर्म लोन देगी पार्टनर को, उसके ऊपर पार्टनर जो है वो फर्म को अगर कोई इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म की तो क्या है, इनकम है, और उसको पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अकाउंटिंग एंट्री जो है वो क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री जो है वो ये होगी, पहले चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो एंट्री होगा क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर का करंट अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि पार्टनर कैपिटल उससे कम हो जाएगी उसको, क्योंकि पेमेंट करना है फर्म को। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का पैसा जो है वो चला जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। तो इसका लेजर पोस्टिंग का रूल क्या होता है, साइड सेम बट नेम अदर साइड। तो पीएनएल अकाउंट कहां पे, क्रेडिट साइड पे, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है जी। अब आएगा रेंट पे टू द पार्टनर, अगर मान लो कोई पार्टनर है और उसने जो है अपनी प्रीमाइसेस बिजनेस को जो है या फर्म को जो है वो रेंट पे दे दिया, तो फर्म जो है वो क्या करेगी, पार्टनर को रेंट का पेमेंट करेगी, ट्रीटमेंट वही सेम रहेगा। रेंट को अगर मान लो हम पार्टनर से वो प्रॉपर्टी ना लेते, किसी और की प्रॉपर्टी अगर रेंट पे लेते तो उसको पेमेंट करना पड़ता, तो रेंट का जो भी पेमेंट जाएगा वो जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड पे, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा, क्योंकि उससे पार्टनर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बोलते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की ट्रीटमेंट किया, उसी तरीके से रेंट का भी जो है वो क्या क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। रेंट चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, और इसको पी एंड एल अकाउंट के डेबिट के अंदर हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। इसके बाद आता है मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन जो है किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट आते हैं, एक तो वो है अगर मैनेजर को कमीशन मिल रहा है उस प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट उसके कमीशन से पहले का है, तो वहां पे एंट्री जो है वो क्या होगी, मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो एंट्री होगा प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन 100। और अगर मैनेजर को कमीशन मिलना है किसके ऊपर, उस प्रॉफिट पे जो उसको कमीशन पे करने के बाद का है, तो फिर एंट्री क्या होगी, मतलब जो कंप्यूटेशन होगा वो कैसे होगा, प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। अब रूल्स ड्रॉइंग के लिए, अगर कोई पार्टनर जो है वो क्या करता है, फॉर्म से जो है वो कुछ पैसा विदड्रॉ करता है, ठीक है, तो ड्रॉइंग अगर करेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनर से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कितने महीने का लेंगे, तो उसके लिए ये सब बता रखा है। जैसे अगर वो हर महीने के स्टार्टिंग के अंदर जो है वो क्या करता है, पैसा निकालता है, तो पहला पैसा कब निकाला होगा उसने, मतलब एक अप्रैल को निकाल लिया होगा, उस पैसे को उसने 12 महीने यूज किया, और आखिरी जो पैसा निकाला उसने कब निकाला, आखिरी महीने के पहली तारीख को निकाला, मतलब मार्च के फर्स्ट डे को निकाला। तो उसने टोटल पैसा कैसे, जो पहला पैसा वो 12 महीने यूज किया और आखिरी पैसा एक महीने यूज किया, डिवाइड बाय 2 करेंगे 6.5 महीने का। इस तरीके से आपको मैंने क्लासेस में बताया था, तो ये थोड़ा सा टाइमिंग कर लीजिएगा। तो अलग अलग टाइम पे अगर रिकॉर्डिंग किया जाएगा तो उसके लिए अलग अलग पीरियड का आपको जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ये जो था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट चलेगा पीएनएल के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये पार्टनर को पे करनी पड़ेगी, तो इससे पार्टनर की जो कैपिटल है उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, ध्यान रखना। अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट है, पार्टनर जो भी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो है उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड बोलती है। सबसे पहला, अगर तीन केस बनेंगे, पहला व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बोला गया कि पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है उनकी कैपिटल पे, लेकिन ये नहीं बोला कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो फिर उसको एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट है, तो वहां पे तीन केस। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। अब केस क्या है, पहला अगर लॉस है तो फिर नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। दूसरा, अगर प्रॉफिट जो है वो जस्ट इक्वल है किसके, इंटरेस्ट के, तो फिर जो है वो क्या होगा, जो जितना भी प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के रेशियो के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। और अगर प्रॉफिट जो है वो क्या है, लेस है इंटरेस्ट से, मतलब टोटल प्रॉफिट तो पड़ा है सिर्फ कितना, 1000 रुपया, और पेमेंट कर दिया मान लो 3000 की, अब क्या होगा, तो फिर इस 1000 रुपए का बंटवारा जो है वो किया जाएगा किस रेशियो के अंदर, जिस रेशियो के अंदर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ना कि जिस रेशियो में उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका, ठीक है ना। तो सुनना, अगर प्रॉफिट जो है वो लेस है, इंटरेस्ट इज लेस देन, इवन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, मतलब अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से क्या है, कम है, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट का अमाउंट है उतना ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा। हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच
पार्टनर। इसके बाद लास्ट केस जो है वो क्या है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये बोलता है कि हम इंटरेस्ट को ट्रीट करेंगे एज ए चार्ज, चार्ज मानेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस है तो फिर पार्टनर से पहले मंगाया जाएगा और उसके बाद में जो है उन पार्टनर्स को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। अब चार्ज का मतलब क्या, चार्ज का मतलब होता है फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट तभी अलाउ होगा ओनली आउट ऑफ अ प्रॉफिट। अब एक टर्म होता है गारंटी। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर मिलकर जो है वो किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं और ये बोलते हैं कि इतना आपको जो है वो इतना प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया और जितना पार्टनर को गारंटी दिया था उतना प्रॉफिट नहीं आया उसके हिस्से में, तो फिर क्या होगा, बाकी पार्टनर जो है वो एक रेशियो के अंदर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर जिस पार्टनर ने गारंटी दिया था वो अकेला उसको क्या करेगा, बियर करेगा। तो क्या बोलते हैं, सच ए गारंटी में बी गिवन इधर, आप गारंटी कौन देगा, या तो एनी वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर कोई एक दे सकता है या फिर बाय ऑल द पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। एग्जांपल मैंने यहां पे बताया था एबीसी तीन पार्टनर थे, 1:1:1 में प्रॉफिट था 30,000 लेकिन ए को 12,000 का गारंटी दिया गया। अब गारंटी जो थी वो बी और सी बोले कि हम बियर कर लेंगे अपने आप ही, ठीक है। अब देखिए जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कैसे हो गया, 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10,000, 10,000, 10,000, लेकिन जो ए को गारंटी था वो कितना था, 12,000 का। तो इसका मतलब ए का शॉर्टफॉल अभी कितना है, 2,000 का। अब ये 2,000 का जो नुकसान है ये कौन बियर करेगा, बी और सी बियर करेंगे 1:1 के अंदर। तो इसको बोलते हैं ये, अब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, 10,000 और 2, इसको मिलेगा 12, इनको मिलेगा 9, इसको भी मिलेगा 9। इसके बाद आएगा जी आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो वो बाकी पार्टनर का फ्यूचर, क्योंकि देखो जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो बाकी जो पार्टनर्स हैं, अब देखो ये रोटी है ना, मैंने आपको बताया था ये पहले सिर्फ दो बंदों में बटती थी, ठीक है, ए और बी में। अब रोटी तो वही रहेगी, प्रॉफिट तो वही रहेगा, लेकिन अब मान लो सी भी आ गया तो प्रॉफिट, अब रोटी जो है वो तीन लोगों के अंदर जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब एक पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होगा तो वो बाकी पार्टनर का फ्यूचर शेयर जो है उससे क्या होगा, कम होगा। तो नया पार्टनर जो है, लेकिन जब नया पार्टनर आएगा ना तो वो क्या करेगा, उनको कंपनसेट करेगा। और कैसे करेगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो है वो लेकर आएगा और उसके उस पैसे से जो है वो पुराने पार्टनर को कंपनसेट करेगा उनके फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए, ठीक है जी। तो क्या बोलते हैं, अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो आएगा ना, अब उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस। जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना ही जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा, ओके। तो सैक्रिफाइस रेशियो को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है न्यू रेशियो को कंप्यूट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे कंप्यूट करेंगे, तो ये देख लीजिएगा, अगर मान लो सिर्फ जो है न्यू रेशियो चार तरीके से निकलती है, ठीक है ना, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर, अगर नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ और कुछ भी नहीं बोला तो ये अस्यूम करेंगे कि पुराने पार्टनर जो है वो पुराने रेशियो के अंदर ही आपस में क्या करेंगे, पीएसआर करेंगे, मतलब उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो वही पुराने वाला रहेगा। तो क्या बोलते हैं, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द सेम रेशियो इन विच दे वर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। जैसे एबीसी पार्टनर थे 3:2:1 में आ गया 1:6 के लिए और कुछ भी नहीं बोला। अब यहां पे पीएसआर कैसे निकलेगा, नया पीएसआर निकालना है, प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकलेगा, लेट टोटल हैव 1, इसमें जो है वो डी का शेयर कितना है 1/6, टोटल रहेगा कितना 5/6। अब 5/6 को एबीसी लेंगे अपने पुराने रेशियो में 3:2:1 में, इस तरीके से इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कई बार नया पार्टनर जो है वो परचेज करता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड से इक्वली, मतलब वो नया पार्टनर आएगा और वो मान लो जिस भी रेशियो के लिए आया, मान लो वो 1:6 के लिए आया तो वो पुराने पार्टनर से इक्वल लेगा, 1:6 का आधा ए से लेगा आधा बी से, तो 1:6 का आधा कितना हो गया 1/12, तो 1/12 लेगा ए से, 1/12 लेगा बी से। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, देखो क्या बोलता है, राम और श्याम पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो किस रेशियो में, 7:5 में। गोपी आ गया नया पार्टनर 1:6 के लिए, विच ही एक्वायर, अब वो 1:6 के लिए आया और वो एक्वायर करेगा इक्वली किससे, राम से, और इक्वली लेगा किससे, श्याम से। तो 1:6 का इक्वल कितना हो गया, 1/2 कर दो, तो 1:6 का आधा 1/6 इंटू में 1/2 कितना हो गया, 1/12, तो 1/12 जो है वो लेगा राम से और 1/12 जो है लेगा किससे, शाम से। तो कैसे करोगे नया प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट मान लो जो है वो कितना 1/6 है, तो कितना कितना लेगा 1/12, 1/12, तो राम का नया शेयर कैसे निकलेगा 7/12 माइनस में 1/12, और शाम का किसे निकलेगा 5/12 माइनस में 1/12, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर दो तो ये इनका नया प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाएगा।
उसके बाद समटाइम द न्यू पार्टनर परचेस करता है शेयर फ्रॉम द ओल्ड इन द पर्टिकुलर रेशियो। कई बार ऐसा होता है कि नया पार्टनर जो है वो क्या करेगा, परचेस करेगा अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से इन द पर्टिकुलर रेशियो। तो फिर कैसे होगा, जैसे यहां पे बता रखा है राम और श्याम पार्टनर है 7:5 में, मोहन आ गया 1:6 के लिए। अब मोहन बोला कि मैं इसमें 1:6 का 1:24 लूंगा राम से और 1:8 लूंगा किससे, श्याम से। तो क्या करना है, सीधा राम में से जो है 1:24 घटाओ, श्याम में से जो है 1:8 घटाओ, आंसर आ जाएगा आपका। तो वो किया हुआ देखो, राम में से जो है 7:12 में से 1:24 घटाया और शाम में से जो है वो 5:12 में से 1:8 घटाया, ये आ गया जी इनका पीएसआर, ठीक है जी। और मोहन का कैसे आएगा, इनको ऐड करके 1:24 प्लस में 1:8, ये इस तरीके से। इसके बाद लास्ट जो है वो क्या, समटाइम ओल्ड पार्टनर सरेंडर करता है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो वहां पे क्या होगा, इस केस के अंदर नया पार्टनर का जो शेयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जितना जितना पुराने पार्टनर सरेंडर किया उस सबको क्या करके ऐड करके। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए और बी पार्टनर थे, इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था उनका 3:2। ए नया पार्टनर आ गया सी, उसने सरेंडर किया, ए ने अब सी के लिए 1/5 शेयर दे दिया उस ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, और बी ने 2/5 शेयर दे दिया अपने प्रॉफिट का इन फेवर ऑफ सी। तो ए का शेयर कितना था, 3/5 था, ए ने 3/5 का 1/5 दिया, तो 3/5 का 1/5 कितना हो गया 3/25, किसको दे दिया, सी को दे दिया। बी का शेयर कितना था 2/5, और उसने 2/5 का 2/5 भी दे दिया, किसको, सी को दे दिया। तो 2/5 का 2/5, 2/5 इंटू 2/5 करोगे 4/25। तो ए का नया रेशो निकालना तो कैसे निकलेगा, 3/5 माइनस में 3/25, और बी का 2/5 माइनस में 4/25, इस तरीके से इनका रेशो निकल आएगा। और सी का कैसे निकलेगा, जितना ए और बी ने सरेंडर किया उतना इसने गेन किया, तो 3/25 प्लस में 4/25, तो कितना हो गया 7/25, ये इसका नया रेशो हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस कैसे रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करके, ठीक है जी। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आएगा जी आपका गुडविल, गुडविल की बात करें तो गुडविल जो है वो कहता है गुड नेम होता है। आप क्लासिफाई करेंगे गुडविल को दो पार्ट में, एक होती है जी आपकी परचेस गुडविल और एक होती है कौन सा, सेल्फ जनरेट। परचेस गुडविल वो है जिस गुडविल के लिए आप लोगों ने जो है वो पेमेंट की हुई है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, परचेस गुडविल। तो परचेस गुडविल इज ए गुडविल विच इज एक्वायर्ड, जिसको एक्वायर किया कैसे, बाय मेकिंग ए पेमेंट, तो उसको बोलते हैं परचेस गुडविल। और सेल्फ जनरेट गुडविल या इनहेरेंट गुडविल कौन सी होती है, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट विच इज ongoing business possess। इसके बाद गुडविल को कंप्यूट करने के आपके पास में तीन तरह के मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बोलता है पिछले सालों में जितना भी एवरेज प्रॉफिट था उस सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर नंबर करो, वो आपका क्या जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर लो किसे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब जो आपको लगता है कि आगे कितने सालों तक आप जो है वो इसी एवरेज प्रॉफिट को कमाओगे, उसको बोलता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट को क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हम यही अज्यूम करते हैं कि जो पास में चलता रहा वही फ्यूचर के अंदर चलेगा। लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट को कंप्यूट करोगे तो पिछले सालों में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की चीजें हुई हैं उनको जो है उनके इफेक्ट को यहां पे नलिफाई कर दोगे। आगे अब आएगा जी दूसरा मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट, तो या फिर एवरेज प्रॉफिट तो आप कंप्यूट कर सकते हो, पिछले 10 सालों का है तो 10 सालों का प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे, वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है वो उठा लो। मान लो 10% है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका मान लो 10 लाख था, उसका 10% कितना होगा 1 लाख, वो 1 लाख हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे कंप्यूट करोगे, गुडविल के लिए पहले निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल निकाल लिया, अब वो जो सुपर प्रॉफिट आ गया उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो निकल आएगी आपकी क्या, गुडविल। तीसरा मेथड और होता है गुडविल का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटलाइज मेथड। अब कैपिटलाइज मेथड के अंदर हम गुडविल को दो तरीके से कंप्यूट करते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन बाय द एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन बाय द सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय द एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है एवरेज प्रॉफिट का, तो वो कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आई है किसका, एवरेज प्रॉफिट का, उसमें से माइनस कर लो किसको, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को। इसके बाद दूसरा जो है वो कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट, यहां पे गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, पहला अगर अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो प्राइवेटली अगर पे किया तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरा अगर कैश में लाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं,
देखो पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर मान लो गुडविल का पैसा जो भी नया पार्टनर लेके आया था उसको प्राइवेटली पे कर दिया तो फिर नो एंट्री विल बी पास, ठीक है। अगर नया पार्टनर जो है वो कैश के अंदर पैसा लेके आया तो सबसे पहले तो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो, एंट्री क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो केस है वो क्या, व्हेन गुडविल या प्रीमियम का पैसा जो है जो नया पार्टनर लेके आया था उसको पुराने पार्टनर निकलवा लिया तो एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब लास्ट केस और है और वो ये बोलता है कि अगर मान लो कोई पर्सन जो है कोई पार्टनर जो है वो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आया और वो प्रीमियम का पैसा जो उसको लेके आना था गुडविल का वो उसको कैश में लेके नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, तो उसके करंट अकाउंट से हम इसको जो है वो चार्ज कर लेंगे तो एंट्री जो होगा वो क्या होगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। अब एक बार ध्यान रखिएगा जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस टाइम पे जो है वो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटी का, तो उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं अपने जितने भी एसेट्स और जितने भी लायबिलिटी है उन सबको क्या करते हैं रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यूएशन करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका एक और नाम होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसका मतलब इसके डेबिट साइड पे जो सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आएगी। अगर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग जो है वो फिगर्स को जो बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स है उनको सेम रखेंगे रीवैल्यू नहीं करेंगे तो उसके लिए अलग से एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आएगा क्या वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा आपको बता दिया, डेबिट साइड पे जो भी आपके लॉसेस है वो सब डेबिट साइड पे आएगा, जो भी इनकम है बिजनेस के लिए मतलब फर्म के लिए जो भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। अब है जी वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये फंड ओपन किया जाता है, तो अगर मान लो कई बार क्या है वर्कमैन काम कर रहे और काम करते हुए कोई भी इंजरी हो गया तो उसको नॉर्मल बिजनेस से अगर पैसा निकाल के करेंगे तो बिजनेस जो है थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं अलग से कुछ पैसा जो है वो हर मंथली निकालते रहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के नाम का, कि कल को अगर मान लो किसी वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ गया तो अलग से पैसा पड़े उसमें से हम दे देंगे और नॉर्मल बिजनेस से हम जो है वो पैसा निकालेंगे नहीं। अब अगर मान लो कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर आया और वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा पड़ा था और उसका कोई भी क्लेम अभी तक नहीं है तो वो सारा का सारा पैसा फ्री पैसा है और वो किसका है ओल्ड पार्टनर का, और वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इन सच केस एंटायर अमाउंट जो भी होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का उसको क्रेडिटेड कर दिया जाएगा टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फार्मूला जो रहेगा एंट्री जो रहेगा वो क्या रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा अगर क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का वो लोअर है देन द किससे अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन था आपका 50,000 का लेकिन प्रोविजन सिर्फ 20,000 रुपए का तो बाकी जो 30 बच गया वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 50 टू प्रोविजन बना लिया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का कितना 20 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना 30। आगे इफ क्लेम इज इक्वल, अगर ऐसा है कि क्लेम इक्वल है बिल्कुल किसके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना तो फिर क्या होगा पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा और एंट्री क्या होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और अगर कभी ऐसा हुआ कि क्लेम जो है वो ज्यादा है किससे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो आप बताइए क्या होगा, मान लो क्लेम जो है वो तो है कितना 60,000 का लेकिन रिजर्व में जो पैसा पड़ता था वो सिर्फ पड़ा था कितना 50, तो अब क्या करेंगे 10,000 का नुकसान हो गया तो पहले एंट्री किया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 50, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 10, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको बना लेंगे ये क्या है आपका लॉस है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब पड़ा तो सिर्फ कितना 50 और क्लेम करना है कितना 60, तो अब करेंगे क्या तो 10,000 रुपया जो है वो पार्टनर से मंगा लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर ऑन द पार्टनर कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उसी तरीके से बनता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मार्केट में मान लीजिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन जो होती है तो उसके लिए उसका आपके बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो प्रभाव ना पड़े उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो अलग से क्रिएट करते हैं। ट्रीटमेंट बिल्कुल जो वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट है वैसे इसका कंपनसेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बिल्कुल सेम है तो फिर क्या करेंगे तो बोलते हैं नो नीड टू क्रिएट, तो अलग से जो है
क्रिएट करने की जरूरत थी नहीं। अगर मान लो मार्केट में जो वैल्यू चल रही है और जो बुक के अंदर हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो बिल्कुल सेम है, तो बेफालतू में क्रिएट कर रखा है। तो क्या करो, जो भी जितना भी पैसा पड़े वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो सब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे, जब मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की वो क्या है, लेस है किससे, बुक वैल्यू से। तो अब जरूरत पड़ी, बुक के अंदर तो हमने दिखा रखे मान लो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है मान लो 90,000, तो 10,000 से कमी है। तो अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना भी पैसा पड़ा है टू इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जैसे मान लो पड़ा था इसमें 50, 10 यूज हो जाएगा और बाकी जो रहेगा कितना 40, ये 40 आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आगे, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर कभी ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना पैसा पड़ा है उतनी ही वैल्यू डाउन हुई है, तो अलग से कोई भी जो है पार्टनर, अब पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को उतने अमाउंट से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और आगे, अगर फॉल इन वैल्यू इज मोर देन, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा था उससे ज्यादा से वैल्यू गिर गई, तो क्या होगा, जो ज्यादा हो गया तो वो आपके लिए नुकसान है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे और फिर क्या किया जाएगा, फिर वो रिवैल्यूएशन का जो नुकसान है उसको पार्टनर से जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, पहले तो पहली एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये क्या है, आपका लॉस है। और फिर एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब ये जो भी पार्टनर थे उनसे ये लॉस को जो है उनके ओल्ड पीएसआर के अंदर चार्ज कर लिया जाएगा। आगे अब आता जी आपका, व्हेन मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, अगर वो ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से। अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, बुक वैल्यू से, तो यहां पर क्या होगा, तो फिर मतलब मार्केट में वैल्यू जो चल रही है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो जो रिजर्व बना रखा है बेफालतू का बना रखा है। तो अब एंट्री क्या होगा, पहला जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा पड़ा है वो सब पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा, अगर इंक्रीज हुआ जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैसे, वो आपका मुनाफा हो गया ना, मुनाफा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पैसा है ये सब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड उनके ओल्ड पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सब किसका है, पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का, तो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व पड़े हैं वो सब जो है वो ट्रांसफर होंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और अगर लॉस है तो वो भी पार्टनर से ले लिया जाएगा ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो के अंदर। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जो बनाए थे हमने, लाइक आपका वर्कमैन कंपनसेशन था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो उनका अगर मान लो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आगे, अब एक कॉन्सेप्ट होता है हिडन गुडविल। कई बार ऐसा होता है एग्जाम के अंदर जो है वो गुडविल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो गुडविल आपकी जो हिडन होती है। अब हिडन गुडविल को कैसे कंप्यूट करेंगे, हिडन गुडविल कंप्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे लिया कि ए और बी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी 30,000 और 20,000, सी आ गया 1/4 के लिए और उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया 24,000 ऐसे कैपिटल। इसका मतलब सी की कैपिटल के बेस पर ये देखो कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सी आया 1/4 के लिए और ले गया 24,000 रुपया, तो 1/4 जो 24,000 है वो 1/4 की वैल्यू है, तो 4/1 की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, 4/1 24,000 कर देंगे, तो ये आएगा कितना 96,000 की कैपिटल होनी चाहिए थी फर्म में, और है कितने, 30 की, ए की, 20 की, बी की और 24 की, सी की, तो टोटल 74 की कैपिटल है। तो इसका मतलब 22,000 जो है वो क्या है, हिडन गुडविल है। अब इसमें उसका शेयर शोर हम निकाल लेंगे, वैसे आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया था मैंने क्लास में, देख लेना। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनल कैपिटल, अगर मान लो कभी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आया और वो प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आया तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी की कैपिटल देख लो, पुराने पार्टनर की कैपिटल देख लो वो कितनी है, उनका रेशियो देख लो टोटल कितना है, उसके बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लो और उसके अंदर जो है नए पार्टनर का रेशियो देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखा ए और बी जो है उनकी कैपिटल देखिए 24,000 और 16,000, सी आ गया 1/5 के लिए, तो बताओ सी कितना कैपिटल लेके है, तो देखो ये 24 और 16 जो है ये ए और बी की है, इसको जोड़ लो ये होगी 40 है टोटल कैपिटल, ये ए और बी की, और ए और बी का रेशियो कितना है, सी 1/5 के लिए है, तो ए और बी का कितना है 4/5 रेशियो, 1 माइनस में 1/5 करोगे तो 4/5 की कैपिटल 40,000 है, तो पूरी फॉर्म की कैपिटल निकाल लो, 40,000 इनटू में 5/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000 कैपिटल, 50,000 कैपिटल टोटल है, सी का शेयर अब देख लो कितना, 50,000 इनटू में 1/5 आंसर आएगा कितना 10,000। आगे, अब एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेस ऑफ द न्यू पार्टनर। कई बार क्या होता है ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं नए के बेस पर, तो फिर क्या होगा, तो यहां पे जो है वो सबसे पहले ये किया जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या है,
एक्सेस में है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेगा, जितनी फालतू कैपिटल है उसको निकाल के ले जाएगा, और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल जो है कंप्यूट करके ये पता चला कि वो कम है तो उसको वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर लेगा। तो एडमिशन में ये सब ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। इसके बाद आएगा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब जो है वो क्या, जब ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो वहां पे जो है वो क्या आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा। तो जितना ज्यादा वो एक्वायर करेंगे उतना उनको जो है अपने रेशियो के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अब रिटायरिंग पार्टनर जो छोड़ के जा रहे ना उसको क्या क्या मिलेगा, उसको उसकी गुडविल का हिस्सा मिलेगा, उसको उस रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, और उसको जो है वो रिवैल्यूएशन जो किया एसेट लायबिलिटी का उसमें जो भी हिस्सेदारी थी वो भी मिलेगी। अकाउंटेड ट्रीटमेंट क्या होगा, जो छोड़ के जा रहा है तो एंट्री क्या होगा गुडविल का, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल इन देयर गेनिंग रेशियो। तो पहले वो नया पार्टनर जब आया था तो वो पैसा लेके आया था, अब ये देंगे इसको, तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड नया जो नया रिटायरिंग पार्टनर है वो तो डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर इन देयर, सॉरी जो कंटिन्यू पार्टनर है वो उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगी क्योंकि अब वो पेमेंट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को। तो एंट्री क्या जाएगा, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो जितना वो गेन करेंगे उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पेमेंट जो होगा अमाउंट का वो कैसे कैसे होगा, अगर अमाउंट पे कर दिया कैश में तो एंट्री क्या होगा, जो भी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल है वो डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर मान लो कभी ऐसा है कि उसको पेमेंट नहीं किया, उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, तो एंट्री क्या किया जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और अगर कोई भी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो उस लोन के ऊपर 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। आगे एडजस्टमेंट क्या होगा, एक्युमुलेट प्रॉफिट या लॉस का। देखिए जब कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है उस दिन तक के जितने भी रिजर्व है उसके अंदर उसको हिस्सा मिलेगा, और उस दिन तक के जितना भी नुकसान है वो भी उसको जो है बियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, वही सेम ट्रीटमेंट स्पेसिफिक रिजर्व का होगा। इसके बाद डेथ, डेथ के केस में क्या होगा, जो ट्रीटमेंट आपका रिटायरमेंट में वही सेम ट्रीटमेंट आपका चलेगा कब, डेथ के केस में, लेकिन बस यहां पे फर्क थोड़ा सा आ जाएगा। फर्क ये आएगा कि पेमेंट जो है अब पार्टनर को ना होकर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को की जाएगी। क्या क्या मिलेगा, वही मिलेगा, कैपिटल का हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, कोई रिजर्व है उसका हिस्सा मिलेगा। क्या क्या उसको देना पड़ेगा, अच्छा प्रॉफिट का हिस्सा हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उनका हिस्सा मिलेगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ। लेकिन क्या क्या लेंगे, अगर उसको ड्रॉइंग करके उसको डेबिट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट किया जाएगा, उसका लॉस में अगर कोई हिस्सेदारी है वो भी उससे लिया जाएगा, और उसका शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है वो भी लिया जाएगा, और रिडक्शन अगर हुआ है वैल्यू ऑफ गुड में वो भी उससे चार्ज किया जाएगा। आगे तो ये सारी ट्रीटमेंट पहले, तो ये जो भी एंट्री होगी वो सब पहले डिसीज जो पार्टनर एक्सपायर हो गया पहले उसी कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा, और जो उसका बैलेंस निकल के आएगा लास्ट में उसको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एग्जीक्यूटर बोला जाएगा कि या तो आप कैश ले लो या फिर इसको पड़े रहने दो, अगर मान लो वो पड़ा है तो 6% की रेट जो है उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसके बाद अब आएगा डिसोल्यूशन। अब फर्म अगर मान लो डिसॉल्व होती है, अब यहां पे दो केस आएंगे, एक होगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक होगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फर्म में फर्क है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जो है वो क्या होता है कि पुराना वाला जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, उसकी जगह पर नया एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसका मतलब क्या होता है कि पुराना एग्रीमेंट या फर्म ही जो है वो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप होती है तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो एडमिशन हुआ किसी नए पार्टनर का, तो अब क्या होगा, पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट कर लेंगे। कोई रिटायर हो गया और वो छोड़ के चला गया तो अब क्या होगा, जो बाकी बचे पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, पुराना एग्रीमेंट छोड़ के नया एग्रीमेंट करेंगे। कोई किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या होगा, पुराने जो पार्टनर है वो क्या करेंगे, नया एग्रीमेंट कर लेंगे। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब ये कि पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो गया उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ गया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो कंपनी है वही, जो फर्म है वही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए जहां पे कुछ बताया गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होती है, एक पार्टनरशिप को डीम टू बी डिसॉल्व मान लिया जाएगा अगर मान लो प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज कर रहे हो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, नया किया जाएगा। एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, रिटायरमेंट हो रहा है, एक्सपल्शन हो रहा है, डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, या इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, इन केसेस के अंदर जो है वो पार्टनरशिप का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। इसके बाद में डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म जो है ये क्या होती है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना है। अब इसके लिए जो है वो दे रखे हैं सबसे पहले क्या, मोड ऑफ डिसोल्यूशन जो आपको बता रखे हैं, क्या विदाउट ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, इन तरीकों से आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। पहला, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की अनुमति के। तो उसमें क्या होगा, अगर सभी पार्टनर मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो है वो कब होगा, अगर सारे पार्टनर या तो सारे या फिर कोई एक पार्टनर जो है वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या जब बिजनेस जो है फर्म का क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, अवैधानिक हो जाए, या फिर जो है वो क्या कानूनी रूप से जो है वो क्या हो जाए, अवैध हो जाए, तो उस केस में आपको पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। या इनमें से कोई भी एक इवेंट हो जाए, क्या
कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर फुलफिलमेंट जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने फर्म को बनाया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए या ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म या फिर पीरियड एक्सपायर हो जाए तो भी आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिजोल्व करना पड़ेगा। यह नोटिस के जरिए भी हो सकता है। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्स नहीं है एंड अपनी बिल से अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो वो नोटिस जारी करके जो है वो पार्टनरशिप फर्म को रिजोल्व कर सकते हैं। अब ये तो था ऊपर जो था वो तो क्या था वॉलंटरी था अपनी इच्छा से। अब होता है कोर्ट, कोर्ट भी जो है पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकते हैं कुछ केसेस में। वो केस क्या, अगर द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट को अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो क्या करता है अप्लाई करता है और बोलता है कि हमारी फर्म को बंद करो तो कोर्ट वहां पे जो है वो क्या करेगा डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। इन केसेस में पहला अगर पार्टनर जो है वो क्या हो जाए कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया ठीक है तो फिर डिसोल्यूशन का ऑर्डर हो जाएगा। व्हेन पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सू हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, अगर वो पार्टनर परमानेंटली क्या हो गया इनकैपेबल हो गया और वो अब काम कर ही नहीं सकता तो अभी पार्टनरशिप फर्म को रिजोल्व किया जाएगा। व्हेन पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सू हैज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया गया मतलब उसने कुछ गलत काम किया तो अभी फॉर्म को क्या करते हैं बंद कर देंगे। व्हेन ए पार्टनर अदर देन फाइलिंग ए पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किसने जानबूझ के जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या किया तोड़ा तो अभी क्या करेंगे डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सू हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द थर्ड पार्टी, अगर मान लो उसने बिना किसी से पूछे जो है अपना पूरा का पूरा शेयर किसी थर्ड पार्टी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया और थर्ड पार्टी को पार्टनर बना दिया तो भी पुरानी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी या कोर्ट जो है वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। जब कोर्ट को लगता है कि फर्म जो है वो लॉस पे काम करेगी फर्म को कभी मुनाफा नहीं होगा तो भी कोर्ट जो है वो क्या करेगा डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। या व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन तो उस केस में भी जो है डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास हो जाएगा। अब आएगा जी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डिसोल्यूशन, अब कैसे कैसे होगा, अब डिसॉल्व तो हो गया अब सेटलमेंट कैसे कैसे करेंगे तो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो क्या होगा जो भी अमाउंट ऑफ लॉस होगा इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ कैपिटल कैन बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट पड़ा है उसमें से पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो जो कैपिटल है पार्टनर्स की उसमें से होंगे और अगर वो भी नहीं है तो फिर पार्टनर से मंगाया जाएगा पैसा और उससे जो पेमेंट किया जाएगा। अब जो भी अमाउंट लेस होगा जब भी आप अपने एसेट को सेल आउट करेंगे जो कि पार्टनरशिप फर्म है उसके एसेट को जब आप बेचोगे तो बेचने पर जो भी कैश मिलेगा तो सबसे पहले पेमेंट करनी है बाहर वालों की, उसके बाद जो पैसा बचा है उसे पेमेंट करनी है पार्टनर का अगर लोन उसके और उसके बाद जो पैसा बच गया उसको फिर क्या करेंगे पार्टनर कैपिटल को पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट करेंगे और फिर भी बच गया तो उसको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे पेमेंट ऑफ द फर्म डेट एंड द प्राइवेट डेट, अब ये बात ध्यान रखना फर्म डेट क्या होता है जो फर्म ने पेमेंट करनी है और प्राइवेट डेट क्या होता है जो एक पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में किसी को पेमेंट करनी है ठीक है ना। अगर मान लो फर्म की एसेट को बेच के अगर पैसा मिला तो उससे पहले पेमेंट जो है वो किया जाएगा फर्म डेट का और बाद में अगर बच गया तो फिर पेमेंट होगा किसका पर्सनल डेट का, और अगर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के अगर पैसा मिला तो उस पैसे से पहले जो पेमेंट किया जाएगा वो उस पार्टनर के प्राइवेट डेट का किया जाएगा और बाद में पेमेंट किया जाएगा किसका फर्म के डेट का। इसके बाद पार्टनर लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर फर्म को जो है वो क्या दिया हुआ है लोन दिया हुआ है तो उसके लिए अलग से उसका एक जो है वो क्या होगा पार्टनर लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा और एंट्री जो है वो क्या होगा पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, फिर सेटलमेंट की एंट्री होगा पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ठीक है जी। और ये पैसा जो है मतलब यहां पर जो है वो एंट्री क्या किया जाएगा, और अगर मान लो लोन टेकन फॉर्म पार्टनर अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसकी एंट्री क्या होगा तो उसकी एंट्री जो है वो उसके कैपिटल अकाउंट से किया जाएगा। आगे अगर कोई पार्टनर एसेट ले तो एंट्री क्या होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले तो एंट्री क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है तो यहां पे चार अकाउंट बनेंगे, सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, इसका कोई प्रॉफिट या लॉस आएगा तो वो जाएगा कहां पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, एक होगा पार्टनर लोन अकाउंट इसका पेमेंट होगा और फिर एक होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इनका पेमेंट होगा लास्ट में और वो बैलेंस आएगा आप कैश और बैंक में, कैश और बैंक अकाउंट जो बनेगा आखिरी में कैश और बैंक का बैलेंस सेम आना चाहिए तो आपका आंसर जो है वो क्या है सही है। पार्टनर लोन का बता दिया यहां पे क्या पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है ठीक है तो अब क्या होगा अगर मान लो लग रहा है कि पार्टनर पैसा कम पड़ गया तो पार्टनर लेके आएंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा तो फिर एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है। फिर कैश और बैंक अकाउंट का बता दिया एट द एंड ऑफ द ऑल द ट्रांजेक्शन कैश और बैंक अकाउंट का जो है वो क्या आएगा बोथ साइड जो है वो क्या होंगी मैच होगी। आगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में तो नॉर्मल वही है,
अब पेमेंट ऑफ फर्म डेट और सेपरेट डेट ये भी आपको मैंने बता दिया। अब आएगा जी इंसॉल्वेंसी। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाली हो गया। अब क्या होगा, अब जो पार्टनर दिवाली हो गया ना वहां पे फिर रूल लग जाएगा किसका, गार्नर और मरे का। गार्नर मरे रूल जो है वो क्या बोलता था कि तीन पार्टनर थे, एक था गार्नर, एक था मरे, एक था विल्किंस। इन तीनों की कैपिटल बता रखी थी 2500, 314 और 263 विल्किंस की थी, 263 डेबिट। ओके, फिर रिलेशन अकाउंट से लॉस हो गया 636 का, इसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब इससे जो है वो क्या हो गया कि विल्किंस जो कि वैसे ही दिवालिया था, विल्किंस जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब विल्किंस का जो नुकसान है 263 का, और उसमें फिर उसका जो रेशो हो गया 636 में डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो कितना गया, 212। तो 263 और 212 कितना हो गया, ये 475। अब क्वेश्चन ये आ गया, ये 475 का जो नुकसान है ये कौन बियर करेगा, तो भाई ये दोनों बियर करेंगे, गार्नर और मरे। अब गार्नर और मरे के अंदर ये झगड़ा हो गया, गार्नर और गार्नर बोला कि भाई ये जो नॉर्मल लॉस है और इसको जो है वो बंटवारा किया जाएगा किसके अंदर, आपके प्रॉफिट शेयर रेशियो मतलब 1:1 में। लेकिन मरे बोला कि नहीं भाई ये नॉर्मल लॉस नहीं, ये कैपिटल लॉस है और इसका बंटवारा जो है वो कैपिटल के रेशियो में किया जाना चाहिए। फिर ये जो मामला जो है वो पहुंचा कहां पे, जस्टिस जोशी के पास, फिर उन्होंने कुछ इसके ऊपर जो है अपनी जजमेंट दी। तो पहले है क्या, ये देख लो एक बार, गार्नर कैपिटल कितनी 2500, इसकी थी 314, इसकी 263 नेगेटिव, रियलाइजेशन का लॉस हो गया 212 212 212, मतलब 636 का लॉस था, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो 475 का जो क्या है लॉस है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, दो ऑप्शन है, या तो प्रॉफिट शेयर रेशियो में करो या फिर किसमें करो, कैपिटल के रेशियो में। तो ये डिसाइड किया गया कि इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, कैपिटल, ये एक कैपिटल लॉस है और इसको कैपिटल के रेशियो के अंदर ही कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो मैटर था ये गया किसके पास में, कोर्ट में गया, जस्टिस जोशी के पास में। उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लॉस है रियलाइजेशन का, पहले वो पार्टनर उसको कैश में लेके आएंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर वो कैश में लाएंगे, और फिर जो डेफिशिएंसी है ना इन सॉल्वेंट पार्टनर की जो है उसको सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो शेयर करेंगे इन द कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो वही होगा जो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले आपको दिया गया है, ठीक है जी। अब इसके बाद में है कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कोई खास बात नहीं है। फिर एप्लीकेबल रूल इंडिया, इंडिया के अंदर जो है वो क्या ये रूल एप्लीकेबल है, तो हम बोलेंगे यस, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे, अपने इंडिया का जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो ये बोले कि अपने इंडिया के अंदर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अपने इंडिया में भी इक्वली ये रूल जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है। तो अब यहां पर यह आ रहा है कि लेकिन अपने इंडिया में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में एप्लीकेबल है। ओरिजिनल गार्नर मरे रूल तो ये बोलता है कि जो भी रियलाइजेशन का लॉस है उसको पार्टनर अपने पहले कैश में लेके आएंगे, लेकिन ये अपने इंडिया में बोला है कि कैश में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने इंडिया में भी गार्नर मरे लगता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमने डीड जो बनाई थी उसमें बोलते गार्नर मरे नहीं लगेगा, तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कुछ काइंड ऑफ पार्टनर है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर पे एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर, ये कौन होता है। एक्टिव पार्टनर वो है जो एक्टिवली बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, एंगेज होता है, और जो बढ़ चढ़ के बिजनेस के अंदर क्या करता है, हिस्से मतलब काम करता है। और अगर वो रिटायर होना चाहता है तो उसको जो है वो पहले क्या करना पड़ता है, उसको पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करना पड़ेगा 6 महीने का। अगर वो जारी नहीं करेगा तो रिटायरमेंट के बाद भी वो फॉर्म के डेट के लिए जो है वो लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो ओनली बिजनेस को, बिजनेस में जो है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, सिर्फ कैपिटल लेके आएगा और कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब ये रिटायर होगा तो इसको नोटिस देने की, पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही स्लीपिंग है, तो इसको लोग वैसे भी नहीं जानते हैं, तो इसको अलग से जो है पब्लिक नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी आपका अगला, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होगा जो नाम नाम के लिए जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर हुआ है, ये ना तो कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ना ही इसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है जी। पार्टनर बाय स्टॉक या पार्टनर बाय होल्डिंग, और अगर कोई पर्सन जो है अपने वर्ड से या अपने एक्ट से ये जता दे कि वो फॉर्म के अंदर पार्टनर, तो उसको बोला जाएगा पार्टनर बाय स्टॉक या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है जी। इसके बाद पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, अब ये कौन होता है, अब कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और ये बोलेंगे कि हमको सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। और अगर नुकसान होगा तो इनसे मांगा नहीं जाएगा। ही वुड ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड वुड नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस। माइनर से पार्टनर, देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये बोला गया कि भाई माइनर के लिए जो है वो ये बोला गया कि भाई माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टनर वही होगा जो क्या होगा, जो एलिजिबल हो किसके लिए, सिग्नेचर के लिए, और माइनर 18 साल से कम है उसके सिग्नेचर की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अपने जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें सेक्शन 30 डाला गया और ये बोला कि माइनर जो है वो फर्म के अंदर किसके लिए, बेनिफिट्स के लिए जो है वो एंटर हो सकता है, तो उसको जो है वो अपना बेनिफिट के लिए एंटर होगा, और जब वो मेजर बन जाएगा तो 6 महीने में उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उसको फर्म में पार्टनर बने रहना है या नहीं बने रहना। इसके बाद कुछ अदर पार्टनर और होते हैं, एक होता है सीक्रेट पार्टनर, जो
अपना जो रिलेशनशिप है फर्म के साथ में उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। एक एक होता है आउटगोइंग, जो रिटायर हो रहा है, जो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या आउटगोइंग। एक होता है लिमिटिंग पार्टनर, लिमिटिंग पार्टनर वो होता है जो ये बोल देता है कि भाई नुकसान अगर होगा तो मेरी कैपिटल तक ही होगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर। ओके जी सर, लो जी हो गया आपका चैप्टर नंबर सेकंड। अब हम लोग जो है वो करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थर्ड को। ओके तो आइए अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री जो है वो है किसके ऊपर आपका, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर। अगर बात करता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को जो है वो पूरा पहले तो पढ़ना है कंपनीज के बारे में कुछ डेटा जो है वो पढ़ना है, देन उसके बाद में हमको जो है वो पढ़ना है कंपनी के फोर फ्यूचर का टॉपिक, फिर उसके बाद में पढ़ना अमलगमेशन, फिर पढ़ना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके, और फिर पढ़ना है लिक्विडेशन ये, और फिर चैप्टर नंबर फोर के अंदर अपने को पढ़ना है होल्डिंग वाला। तो ये चैप्टर नंबर थ्री और फोर दोनों जो है वो लिंकेज के अंदर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये दिया गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो अपने कंपनी एक्ट 2013 जो है, कंपनी 2013 उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 जो है वो ये बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पांच चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा इसमें? आएगा एक तो आपका बैलेंस शीट आएगा, एक आएगा जी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, एक आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और एक आएगा आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स। लेकिन तीन कंपनी को जो है वो एग्जम्पशन दिया गया कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आपका ओपीसी 1% कंपनी, एक आपका स्मॉल कंपनी, एक आपका डोरमेंट कंपनी। ये तीनों कंपनी को, कौन कौन सा, ओपीसी 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को और डोरमेंट कंपनी को, इनको जो है वो एग्जम्पशन दिया गया फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब इनको जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई भी नीड नहीं है। अब सेक्शन 129(1) जो है वो बोलता है कंपनीज को कि जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी तो वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके की हो कि वो क्या देते हो, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हो, दूसरा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, और तीसरा वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर जो दिया गया है P&L अकाउंट का भी फॉर्मेट दिया गया और साथ में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया उसके हिसाब से बनाया गया हो। आगे उसके बाद बोलता है फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो जनरली फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर होगा जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होगा, ठीक है। शेड्यूल 3 जो है उसके अंदर बेसिकली वर्टिकल फॉर्मेट जो है वो दिया गया है। इसका मतलब पहले तो जो क्या होता था कि जैसे P&L अकाउंट बनाते थे आप, तो यहाँ पे क्या कि आप डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड पे सारे इनकम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है वो अब काम नहीं करता, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके का फॉर्मेट काम नहीं करता, अब वर्टिकल फॉर्मेट जो है वो चलता है। वो आगे दिया हुआ तो देखते हैं एक बार के लिए, आइए। तो शेड्यूल 3 फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, तो पहली बात तो ये हो गया जो भी अपने इंडिया के अंदर अब आज के डेट में कंपनी जो भी बैलेंस शीट बनाती है या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम क्या हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, तो वो बनेगा किसके हिसाब से, एज पर द शेड्यूल नंबर 3। पहले शेड्यूल 6 के हिसाब से बनता था लेकिन अब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर जो है वो फॉर्मेट दिया गया आपके बैलेंस शीट का और पार्ट 2 के अंदर फॉर्मेट दिया गया स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का। आगे ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व, अब ये क्या बोलते हैं, देखिए पहले कंडीशन होता था कि जितना भी आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने शेयर होल्डर को जो है कुछ डिविडेंड का जो है वो भुगतान कर रहे हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता था, लेकिन अब वो कंडीशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो बोलते हैं एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो थी ना ट्रांसफर करना स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व, अब उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, हैज नॉट बीन एक्नॉलेज। इसका मतलब ये है अब रूल जो है वो ये बोलता है आप जितना मन चाहे उतना डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो, और जो पहले प्री रिक्विसाइट कंडीशन थी कि आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा वो भी हटा दिया गया। आगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की अगर बात करें तो अब आज के डेट में ये जो है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसीलिए अब मैंने इनकम टैक्स के अंदर भी आपको करवाया कि आज के डेट में कंपनीज जो भी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है वो सारा का सारा उनके लिए क्या है टैक्सेबल, मतलब शेयर होल्डर के हैंड में क्या है टैक्सेबल है। पहले रूल बनाया गया था कि पहले शुरुआत में तो ये था कि कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जो भी डिविडेंड का पेमेंट करेगी तो शेयर होल्डर के लिए क्या रहेगा एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद फिर पिछले साल जो है वो रूल लिया आया था सेक्शन 115(o) को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115(o) को अमेंड किया गया था और वहां पे ये डाला गया कि अगर मान लो कोई भी कंपनी जो है वो डिविडेंड का डिक्लेरेशन करती है तो 10 लाख से ऊपर अगर किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो वो 10 लाख से ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल है। लेकिन अब जो है वो रूल ये आ गया कि अगर मान लो कोई भी कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड का भुगतान करती है तो डिविडेंड के लिए वो होल अमाउंट जो है वो क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा, चाहे वो 10 लाख से ऊपर हो चाहे 10 लाख से कम हो। तो डीडीटी की अगर बात करें या सीडीटी की बात करें तो पिछला जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था तो उसके अंदर सीडीटी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आगे अब आएगा सरप्लस अकाउंट। सरप्लस अकाउंट बेसिकली जो है वो क्या होता है, जो आपका P&L अकाउंट बनाने के बाद में जो आपका प्रॉफिट आ गया उस प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन किया जाता है उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है सरप्लस अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ इस तरीके का बैलेंस रहेगा, सबसे पहले लास्ट ईयर का सरप्लस आ जाएगा,
इसके बाद अंदर फिर करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे। अगर कोई रिजर्व आपने क्रिएट किया होता है लेकिन उसकी अब नीड नहीं है तो रिजर्व को दोबारा से आप प्रॉफिट के अंदर डाल देंगे। कोई एडजस्टमेंट जो है वो पास ईयर की जिसकी वजह से जो है वो टैक्स में कोई सेविंग हो गया, तो ये सारा आ गया आपका करंट की क्या इनकम। ये टोटल अमाउंट जो है वो किस चीज का आपके पास में, इनकम का। अब इसमें से ये सब जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। अब ये क्या क्या है, अगर आपने कोई रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया, चाहे ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, चाहे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में, या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में, तो इनकी वजह से जो है वो क्या होगा, आपका जो इनकम का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट है करंट ईयर के एरियर की तो वो आपने कर दिया, डेप्रिसिएशन है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, या कोई भी अगर डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया तो वो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा ये जाएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो है वो जाएगा किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। तो इस तरीके से आपका बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनता था, मतलब ये है कि एक तरफ जो है वो सारे के सारे इनकम आती थी, एक तरफ उनका एप्रोप्रिएशन आता था, लेकिन अब जो है ये भी कैसा बनता है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। आइए आगे, अब आइटम जो शो करेंगे रिडक्शन ऑफ द सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट में से क्या क्या चीजें माइनस होंगी। एक तो अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो ये टोटल सरप्लस अमाउंट में से माइनस होगा, इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा, प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड माइनस होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ये भी क्या होगा, माइनस होगा। अब आपका जो शेड्यूल नंबर 3 है उसके अंदर जो है वो परफॉर्मा दिया गया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 के अंदर परफॉर्मा दिया गया बैलेंस शीट का, पार्ट 2 के अंदर जो है परफॉर्मा दिया गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट का। अब पार्ट 1 का जो परफॉर्मा है बैलेंस शीट का वो क्या है, सब यहां पे जो है वो क्या बनाया गया, देखो सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा जो आपका शेयर होल्डर फंड का, इसके अंदर आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और आपका मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट दिया जाएगा। दूसरा बनेगा आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई है लेकिन अभी तक आपने जो है उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किए। और तीसरा बनेगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी का और लॉन्ग टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी लाइबिलिटी साइड। दूसरा जो है वो साइड बनेगा कौन सा, एसेट साइड। एसेट साइड में दो ही है, एक है आपका करंट एसेट और एक है कौन सी, नॉन करंट एसेट। बात खत्म हो गया। इसके बाद कुछ बातें बता रखी है, बोलते हैं एक एसेट को करंट कब बोलेंगे, एक एसेट जो है वो करंट एसेट है, तो बोलते हैं अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन जो ये है कि वो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो रिलाइज हो जाएगी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। दूसरा, उसको प्राइमरीली जो है वो लिया गया, हेल्ड किया गया किसके लिए, ट्रेड के लिए। और तीसरा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज इन 12 मंथ के, 12 महीने के अंदर अंदर जो है आप उससे कैश में कन्वर्जन, मतलब कैश रिलाइज कर लोगे। अगर कोई एसेट ये तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तो उस एसेट को बोल देंगे हम लोग क्या, करंट एसेट। इसके बाद आएगा ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ऑपरेटिंग साइकिल, जनरली वो साइकिल है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक एसेट को एक्वायर करके उसको प्रोसेस करके और कैश रियलाइजेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर के उसको दोबारा से आपने जो है वो कन्वर्ट किया वर्किंग प्रोग्रेस में, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर उसके बाद में वो सेल हुआ, सेल होने के बाद डेटर हुआ, डेटर के बाद फिर कैश रिसीव हुआ, ये पूरा साइकिल जो होता है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन तो 12 महीने का पीरियड जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर काउंट करते हैं। एक लाइबिलिटी को करंट का बोलेंगे जब वो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो जो है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो है वो सेटल हो जाएगी या 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएगी या उसको जो है वो बेसिकली ट्रेड की वजह से क्या हुई है, जनरेट हुई है। आगे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज आएंगी, एक आएगा संडी डेटर और एक आएगा इसके अंदर बिल रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में भी दो चीज आएंगी, एक आएगा इसमें संडी डेटर और एक आएगा ट्रेड पेबल। पहले ये होता था कि अगर मान लो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता था, मतलब लॉस जो है उसका एसेट साइड पे शो कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। तो नो डेबिट बैलेंस होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद दी एसेट, अब उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइन से जो है वो क्या करेंगे, शो करेंगे। आगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का जो है वो क्या ट्रीटमेंट है, तो जिस साल आपके ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हुए हैं उसी साल आप इसको जो है वो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो जो भी प्रीमियम नेचर के खर्चे हैं तो सेक्शन अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो पैरा 56 डाला गया। पैरा 56 जो है वो ये बोलता है कि जितने भी प्रीलिमिनरी नेचर के खर्चे होंगे ना उनको पहले ही साल जो है वो क्या कर देंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। अब पहले जो है वो बनता था शेड्यूल, शेड्यूल की जगह अब जो है वो क्या बनेंगे, नोट्स बनेंगे, बेसिकली जो वर्किंग नोट होते हैं तो उसी को बोलते हैं। एक होता है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स में दो आएंगे, एक आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट, एक है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपका जितना टैक्स बनता था अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो उसको बोलते हैं डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट। और आपका जितना टैक्स बनता था उससे आपने अभी कम पे किया है तो आपकी एक लायबिलिटी है जो आपको फ्यूचर के अंदर पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पार्ट टू के अंदर जो है परफॉर्मा दिया गया किसका, आपके पीएनएल अकाउंट का। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट का परफॉर्मा कुछ इस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि अब ये बनती है स्टेटमेंट वाइज,
पहले ये अकाउंट होता था, लेकिन अब क्या बनेगा, स्टेटमेंट, मतलब ये वर्टिकल जो है वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं करता। अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे ऊपर जो है वो आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी सेल किया, प्लस में अदर इनकम, दोनों जोड़ दो, ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, ये आ गया टोटल अमाउंट आपके पास में। अब इसमें से जो है वो माइनस हो गए क्या आपके खर्चे, खर्चे के अंदर ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्किंग प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, तो ये है टोटल एक्सपेंस। अब ये जो प्रॉफिट आ गया इसको अगर घटाएंगे तो बाकी जो बचेगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होगा बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे क्या आप टैक्स का पोर्शन, करंट टैक्स भी और डेफर टैक्स भी, तो आएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब ये आ गया कंटिन्यू ऑपरेशन से जो प्रॉफिट है, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम ना अपने बिजनेस, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको हमने कुछ समय के लिए बंद कर दिया, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू बिजनेस, तो डिसकंटिन्यू बिजनेस से अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो भी इसके अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम जोड़ेंगे टैक्स का खर्चा वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, माइनस करने के बाद में फिर आएगा जी आपका ये प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इसके बाद ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। अगर जो भी प्रॉफिट आ गया उसको अगर आप डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर से, तो वो आ जाएगा आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो यहां पे अर्निंग पर शेयर डायल्यूटेड ईपीएस है वो दोनों कंप्यूट किया जाता है। तो ये फॉर्मेट है किसका, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट का। इसके बाद आएगा जी इशू ऑफ शेयर। इशू शेयर के अंदर सबसे पहले कंपनी की, कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लोगों के द्वारा जो है वो क्या किया गया, क्रिएट किया गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स है दोनों अलग अलग है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मेंबर के आने का, मेंबर के चले जाने का कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर जो है वो क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। कॉमन सील, कंपनी जो कॉमन सील के अंडर जो है वो काम करती है, मतलब कंपनी का जो साइन है वो कॉमन सील के तौर पर होता है। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के जो शेयर है वो इजिली ट्रांसफरेबल है। एंड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप, मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप क्या है अलग है, मतलब कंपनी को चलाने वाले लोग अलग और कंपनी का मालिक जो है वो क्या है अलग है। काइंड ऑफ कंपनी के अंदर सबसे पहली आती है जी आपकी यहां पे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर प्राइवेट कंपनी को जो है वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया। और ये बोला गया प्राइवेट कंपनी वो है जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, मतलब प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर टोटल जो है वो कितने देंगे, 200 रहेंगे। और प्रॉफिट प्रोहिबिट करती है इनविटेशन द पब्लिक इश्यू, मतलब आईपीओ नहीं निकाल सकते हो। और हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जो है वो क्या है, कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी को है, कौन है, तो पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी वो होगी जो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती, दूसरा नंबर ऑफ मेंबर जो अनलिमिटेड होंगे, और तीसरा आईपीओ भी ये इशू कर सकती है। एक होता है ओपीसी, नया कॉन्सेप्ट आया था 2013 कंपनी एक्ट के अंदर, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक ही पर्सन जो है वो कौन होगा जी, मेंबर होगा, मतलब एक ही पर्सन जो है वो कौन होगा, शेयर होल्डर होगा। और डायरेक्टर कई सारे हो सकते हैं लेकिन जो मेन शेयर होल्डर है वो कौन होगा, एक ही पर्सन होगा। तो बोलते हैं जो अपना ओपीसी का मतलब एक ऐसी प्राइवेट कंपनी इन विच ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर, तो जो शेयर होल्डर है वो ओनली एक ही पर्सन है। पहली बात, नेचुरल पर्सन जो है इसका मेंबर होगा, ठीक है जी। मिनिमम पेड कैपिटल कम से कम 1,00,000 होनी चाहिए, यस। इसको जो ओपीसी को बनाया गया किसके लिए, बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया, यस। इसके अंदर मिनिमम एक जो है डायरेक्टर होंगे और मैक्सिमम कितने, 15 डायरेक्टर होंगे, यस। ओपीसी को कन्वर्ट कर देंगे प्राइवेट कंपनी में, 2 साल से पहले तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर 2 साल के अंदर अगर कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि उसकी शेयर कैपिटल जो है वो 50,00,000 से एक्सीड कर गई या उसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया, तो आप उस ओपीसी वन पर्सन कंपनी को जो है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करोगे। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस दिया गया नंबर ऑफ मेंबर, पहली बात तो ये बात करें तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इनविटेशन टू पब्लिक की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी आईपीओ इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी को जो है वो अपने आर्टिकल बनाने जो है मैंडेटरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो टेबल नंबर एफ के प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के लिए 2 है, पब्लिक के लिए कम से कम 3 है। स्टैच्युटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, पब्लिक के लिए जरूरी है। एंड यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे ओनली लिमिटेड वर्ड लगाना क्या है, जरूरी है। जो भी कंपनी होती है ना, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको जो है हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, शेयर। टाइप ऑफ शेयर के नाम है प्रेफरेंस शेयर है और एक इक्विटी। सिंपल सी बता दूं, प्रेफरेंस और इक्विटी में एक फर्क है। प्रेफरेंस शेयर वो है जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, 2 राइट है प्रेफरेंशियल। क्या, पहला, जब डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया जाएगा हर साल तो इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा, जब कभी भी कंपनी अगर लिक्विड होती है, कंपनी दिवालिया होती है या कंपनी वाइंड अप हो रही है, उस टाइम पे जब कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो सबसे पहले पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलेगा। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो कौन-कौन से, एक है क्यूमुलेटिव, एक है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो है जिनके ऊपर इंटरेस्ट, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो एक्रू होता रहेगा अगर किसी साल पेमेंट नहीं किया। नॉन
कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर वो है जिनके ऊपर डिविडेंड एक्रू नहीं होगा। अगर मान लो दो साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो लैप्स हो जाएगा, तीसरे साल अगर डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है तो तीसरे साल का ही डिविडेंड माना जाएगा। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो है जो कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट का मतलब ये मत समझना कि ये कंपनी के डे टू डे अफेयर के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आगे रिडीमेबल वो है जो कंपनी की लाइफ टाइम से पहले उनको जो है वो पैसा उनका जो है पैसा वापस कर दिया जाएगा। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको कभी भी आप जो है लाइफ टाइम के अंदर रिडीम नहीं करेंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी इनका पैसा इनको वापस किया जाएगा। इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर नॉर्मल जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो आपका इक्विटी शेयर हो गया। शेयर कैपिटल आपको मैंने बता दिया। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगा ऑथराइज। ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी क्या करती है इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इसको इंक्रीज भी करवा सकते हैं। इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी जो है पब्लिक के अंदर क्या करती है इशू करती है, तो विच आर एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब जितना कंपनी ने कैपिटल को इशू किया उसका कितना पोर्शन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको बोलते हैं हम लोग क्या सब्सक्राइब कैपिटल। कोल्ड कैपिटल की अगर बात करें तो क्या जो इशूड कैपिटल थे उसका कितना पोर्शन मांगा गया उसको बोलते हैं कोल्डर कैपिटल। पेडर कैपिटल कितना पोर्शन पे किया शेयर होल्डर ने पेडर कैपिटल। और एक होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा होता है शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी रिजर्व करके रख लेती है और जिसको कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंड अप जो है वो क्या करेगी शेयर होल्डर से डिमांड करेगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या रिजर्व कैपिटल। इसके बाद आएगा जो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में और रिजर्व कैपिटल में। देखो भाई कैपिटल रिजर्व जो है वो तो क्या है, ये कैपिटल का एक हिस्सा है जिसको कंपनी वाइंड अप के टाइम में मांगेगी। वही अगर बात करूं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या है, ये तो है कैपिटल प्रॉफिट आपका। आगे बोलता है कैपिटल रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना जरूरी नहीं है लेकिन कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना जरूरी है अगर आपके पास में कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो। आगे रिजर्व कैपिटल के लिए जो है वो रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए कोई भी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपकी रिजर्व कैपिटल होती है वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है लेकिन जो आपका कैपिटल रिजर्व है वो आपको रिसीव हो गया है। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, रिजर्व कैपिटल जो है उसको आप बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते लेकिन जो आपका कैपिटल रिजर्व है उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। टाइम व्हेन इट इज यूज, जो आपकी रिजर्व कैपिटल है उसको वाइंड अप के टाइम पे आप यूज करते हैं और जो आपके कैपिटल रिजर्व का पोर्शन है उसको आप जो है वो क्या अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज करते हैं। अब आएगा इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर तीन तरीके से, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये क्या है, देखिएगा अगर कंपनी जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि वो पब्लिक में ना जाकर के पैसा उस कंपनी को पैसा चाहिए और वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगर हम पब्लिक में नहीं भी जाएंगे तो भी पैसा रेस कर लेंगे प्राइवेट सोर्सेज से, तो कंपनी क्या करती है प्राइवेट प्लेसमेंट करती है अपने शेयर का, इसको बोलते हैं आप लोग क्या प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा एक होता है स्वेट इक्विटी। कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग जो कंपनी के एम्प्लॉइज है उनको या फिर डायरेक्टर को जो वो एक शेयर इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं उसको, तो ये शेयर बेसिकली दिया जाता है और इसका लॉकिंग पीरियड रहेगा। मार्केट प्राइस से सस्ते रेट पर ये शेयर दिया जाएगा और इसका लॉकिंग पीरियड होता है। अब कंपनी जनरली इनको डिस्काउंट पे इशू करती है। नॉर्मल प्रोविजन ये बोलता है कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, वो पार पे कर सकते हैं प्रीमियम पे कर सकते हैं बट डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, बट स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। आगे फिर पब्लिक को अगर देंगे तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाएगा फिर पब्लिक उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस को अप्लाई करेगी, ठीक है ना, जो आईपीओ निकाला उसको अप्लाई करेगी, तो एप्लीकेशन रिसीव होगा फिर एप्लीकेशन जितना भी रिसीव होगा उसके बेस पर शेयर्स को अलॉट किया जाएगा फिर कूल किया जाएगा, बात खत्म हो गया। अब प्रीमियम एक्सपेंस के लिए जो है वो क्या बोला गया, कंपनी की शुरुआत जब करते हैं तो उस टाइम पे जो खर्चा किया जाता है कंपनी की शुरुआत के टाइम पे उसको बोलता है प्रीमियम एक्सपेंस। और AS 26 ये बोलता है जिस साल भी प्रीमियम एक्सपेंस आपके इंकर हुआ उसी साल आप उसको क्या कर दोगे राइट ऑफ कर दोगे। तो ये क्या बोलते हैं प्रीमियम एक्सपेंस इज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, ठीक है जी। आगे आप शेयर्स को इशू किए, इशू ऑफ शेयर पार पे करेंगे तो एंट्री का सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट, अलॉटमेंट के टाइम पे सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा उसके बाद पैसा रिसीव होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसके बाद फिर उसी तरह कॉल का प्रोसीजर जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अलॉटमेंट के टाइम पे जो है वो क्या मांगा गया प्रीमियम मांगा गया तो फिर एंट्री क्या होगा, एंट्री ये होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बात खत्म हो गया। अब आ जाइए आगे, अब ये है इश्यू शेयर एट प्रीमियम, क्या शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, यस शेयर को प्रीमियम के ऊपर जो है वो इशू किया जा सकता है। अच्छा एक खास बात हो गया वो ये है अगर फुली पेड अप शेयर जो है वो प्रोमोटर को इशू करते हैं इन देयर सर्विस के बदले में तो फिर एंट्री क्या होगा, तो प्रोमोटर को अगर हमने शेयर ही दे दिए फ्री के अंदर शेयर दे दिया क्योंकि उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया था इसलिए उनको शेयर दे दिया तो फिर एंट्री होगा इनकॉर्पोरेशन कोर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले यहां पे इनकॉर्पोरेशन कोर्स की जगह जो वर्ड यूज करते थे वो क्या था गुडविल, पहले गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाता लेकिन अब उसकी जगह जो है वो क्या किया जाएगा इनकॉर्पोरेशन कोर्स, तो एंट्री क्या होगा इनकॉर्पोरेशन कोर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर
चैप्टर लगाऊं। आगे शेयर्स इशू एट प्रीमियम, क्या शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं? यस, शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, ठीक है, डिस्काउंट पे नहीं करेंगे, लेकिन ओनली जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर है उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। आगे आप प्रीमियम का जो पैसा मिलेगा उसको क्या माने, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट करेंगे या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में करेंगे? तो देखो जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 जो है वो तो ये बोलता है कि आप जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव होगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जो आपका शेड्यूल 3 है वो ये बोलते हैं जो भी प्रीमियम का पैसा रिसीव होगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से खाते बनते हैं, तो आप जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव होगा वो किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे जी आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर, ठीक है जी। अब जो भी प्रीमियम का पैसा आपको मिलता है उसको आप यूज कर सकते हैं क्या करने में, प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, कोई भी एक्सपेंस है कोई भी डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया था मान लो किसी शेयर्स पे या डिवेंचर के ऊपर, तो उसको राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। जो फुली पेड बोनस शेयर है उनको पे करने में, फुली पेड बोनस शेयर को जो है इशू करने में आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेबल जो था रिडेम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनके लिए आप यूज कर सकते हैं, और बायबैक के लिए भी, अपने खुद के शेयर को बायबैक करने के लिए भी आप उस प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। एंट्री क्या होगा, एंट्री ये होगा, ये देख लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलो आगे डिस्काउंट पे, सेक्शन 53 जो है कंपनी का वो ये बोलता है कि आप कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, तो बोलता है कंपनी वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। आगे आओ, क्या शेयर को अदर देन कैश में जो है वो इशू किया जा सकता है? यस, अगर मान लो कई बार हमने जो है वो क्या किया, हमने कोई एसेट को परचेस किया, और अगर एसेट आपने अगर परचेस कर लिया तो एसेट क्या पेमेंट करनी है, और पेमेंट के बदले आप ये बोले कि कैश छोड़ो आप एक काम करो हमारी कंपनी के शेयर ले लो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो वेन शेयर को परचेस किया गया वेंटर से, एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंटर अकाउंट, और जब वेंटर को क्या करेंगे, जब वेंटर को जब शेयर देते, पहले तो आपने परचेस की एंट्री किया, एसेट आपने परचेस करी तो क्या आया आपके पास में, एसेट है, तो एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर वेंडर को क्या करेंगे शेयर देंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर, आपने शेयर्स को इशू किया लेकिन मान लो अभी तक जो है वो फुली आपने कोल्डर तो कर लिया लेकिन उसने अभी पेमेंट नहीं किया, और कुछ पेमेंट रह गया, आपने कई बार कॉल भी किया लेकिन उसने जो है वो पिकअप नहीं किया ना ही आपको जो है रिप्लाई किया, तो आप क्या करेंगे उस पर्सन के शेयर को क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। जब शेयर को फॉरफिट करते हैं कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल जो कि क्रेडिट होती है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहां पे क्या बोलते हैं, एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, जो पैसा आ गया वो जाएगा फॉरफीचर में, और जो नहीं आया उसको यहां पे क्या कर देंगे, रिवर्सल कर देंगे, ठीक है ना, जो नहीं आया वो तो ये हो गया, और जो आ गया उसको क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जांपल जैसे यहां पे दे रखा है, कंपनी ने 100 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक शेयर था, जिसके ऊपर 2 रुपए एप्लीकेशन के उसने पे करे, लेकिन अभी 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे, इसके जस्ट बाद तो हमने शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब ये देखिएगा, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए आया, 3 और 2 मांगे थे नहीं दिया, मतलब 7 का ही अभी तक शेयर है, कंपनी ने फाइनल कॉल की नहीं है, तो 7 रुपए का शेयर जो था उसको हमने फॉरफिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 × 700, जो पैसा आ गया कौन सा गया एप्लीकेशन का, वो जाएगा कहां पे, शेयर फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना, 200। अब जो पैसा नहीं आया उसको क्या कर देंगे, रिवर्सल एंट्री करेंगे, क्योंकि आपने ये जो अमाउंट है अलॉटमेंट का और जो शेयर फर्स्ट कॉल का, ये आपने पहले ड्यू तो कर लिया होगा ना, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, जो आपने डेटर बना रखे थे उनको कैंसिल करोगे, कैंसिल करोगे तो जो आपने पहले डेबिट किया था उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो एंट्री क्या करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद रीइशू, अगर फॉरफिटेड शेयर को अगर आप क्या करते हो, रीइशू करते हो, तो आप डिस्काउंट पे भी इसको रीइशू कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे, जितना पैसा आपको उन शेयर पे फॉरफिचर के अंदर पड़ा है उतना, मतलब जितना पैसा उनके ऊपर पहले रिसीव हो चुका था मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट आप जो उनको ट्रांसफर उनको दे सकते हो। अब रीइशू शेयर को आपने फॉरफिटेड शेयर को अगर आपने रीइशू तो कर दिया, रीइशू करने के बाद जो भी आपका आपके पास में अब फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा उन रीइशू शेयर से रिलेटेड उस बैलेंस को आप जो है वो क्या करते हो, आप कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही अमाउंट जाएगा जो शेयर आपने दोबारा रीइशू कर दिए, जो शेयर अभी फॉरफिटेड ही है और अभी तक रीइशू नहीं करे उनका पैसा फॉरफीचर अकाउंट के अंदर ही रहेगा, लेकिन जिन शेयर को आपने फॉरफिट करके और बाद में रीइशू कर दिया उनका पैसा आप जो है वो क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद आएगा जी आपका अमलगमेशन। अगर बात करूंगा अमलगमेशन का, तो अमलगमेशन
बेसिकली क्या है, कंपनीज को हम अमलगमेंट करते हैं सिनर्जी बेनिफिट को उठाने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो तीन वर्ड आते हैं, एक है अमलगमेशन, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है एक्सेल डीकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन एक प्रोसीजर जिसके अंदर दो कंपनी मिलती है और एक नई कंपनी बनती है, मतलब दो कंपनी आपस में मर्ज होंगी और दोनों पुरानी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और एक नई कंपनी बन जाएगी, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अमलगमेशन। तो ए प्लस बी जो है दोनों कंपनी मिलकर क्या बन जाएंगी, नई कंपनी सी कंपनी बनाएंगी। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बड़ी कंपनी होगी एक छोटी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पे ए कंपनी और एक बी कंपनी है, ए प्लस बी और क्या बन गई, ए रह गई है अब। और ऑब्जेक्टिव जो है अमलगमेशन का, एब्जॉर्प्शन का, वो क्या है, कंपटीशन को आपने खत्म करना है तो आप क्या करते हो, मिलकर के काम करते हो। दूसरा इकोनॉमिक लार्ज स्केल, जब आप मिलकर काम करोगे तो प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे करोगे तो आपको इकोनॉमिक स्केल का बेनिफिट मिलेगा। तीसरा हाई सैलरी एक्सपर्ट की सैलरी जो है, हाई सैलरी एक्सपर्ट की सर्विसेज आप ले सकते हो अगर आप जो है मिलकर काम करोगे, क्योंकि आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, कंट्रोल जो है मार्केट के ऊपर बेटर हो जाएगा और अदर एडवांटेज होता है कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए, हम ये सब करते हैं। इसके बाद आएगा रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन जो एक अलग नेचर की आइटम है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जब आप कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हो, कंपनी पहले से काम कर रही थी लेकिन उसके हालात थोड़े से फटीचर हो गए और आप खुद से कंपनी को दोबारा क्या करो, रीऑर्गेनाइज करो, तो उसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है कौन सा, इंटरनल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कौन सा होता है इसको देखते हैं एक बार। ये अमलगमेशन के जैसा है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, पुरानी कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा और उसके काम को दोबारा एक नई कंपनी को फॉर्मेट किया जाएगा जो उसके उस कंपनी को एज इट इज क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनको राइट ऑफ करने के लिए, शेयर होल्डर को ऑफर करने के लिए, शेयर डेट रिप्रेजेंट द ट्रू वर्थ एंड सेव करने के लिए कंपनी फ्रॉम द लॉस इन फ्यूचर, आगे फ्रेश शेयर कैपिटल को रेस करने के लिए और ऑल टुगेदर चेंज करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक टर्म और आती है उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसको वैसे भी आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा इसको, छोड़ो अभी आओ आगे डिफरेंस एक बात पढ़ लीजिएगा, बता दिया वैसे आपको। अब बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो अमलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों के अंदर आपका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग प्रोसीजर इंटायरली डिफरेंट। इसके बाद आएगा अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन को जो है वो गवर्न करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर कुछ बातें बोली गई है वो आपको जो है फॉलो करनी पड़ती है जब कभी भी हम क्या करते हैं, अमलगमेशन करते हैं दो कंपनी का। अब यहां पर ट्रांसफरर कंपनी कौन सी, जो छोटी कंपनी जो दूसरी कंपनी के अंदर क्या होती है, मर्ज होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी जो दूसरी कंपनी को क्या करती है, अपने अंदर अमलगमेट करती है। और अमलगमेशन का मतलब क्या, अमलगमेशन का मतलब दो तरीके से, अमलगमेशन या तो होगा मर्जर नेचर का या फिर होगा परचेस नेचर का। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या क्या आएगा, सबसे पहला जितनी भी एसेट लायबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी की, वो एसेट लायबिलिटी बन जाएगी किसकी, ट्रांसफरर कंपनी का। दूसरा कम से कम जो शेयर होल्डर के 90% शेयर होल्डर जो है छोटी कंपनी के शेयर होल्डर वो बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तीसरा कंसीडरेशन जो है वो हमेशा जो है वो क्या होगा, कंसीडरेशन के बदले में क्या होगा, बड़ी कंपनी अपने शेयर जो है वो छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को इशू करेगी कंसीडरेशन के बदले में, जो फ्रैक्शन शेयर होगा उनको कैश में दे सकते हैं। चौथा बिजनेस जो होगा ट्रांसफरर कंपनी का वो कैरी ऑन किया जाएगा, मतलब ये आप उसको बंद नहीं करेंगे, जो बिजनेस छोटी कंपनी कर रही थी वही बिजनेस को बड़ी कंपनी आप आगे कैरी ऑन करेगी। और लास्ट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है एसेट लायबिलिटी की वैल्यू जो छोटी कंपनी में थी उसी को एज इट इज आप जो है वो क्या करोगे, अपने यहां पे रिकॉर्ड करोगे, आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है और जो ट्रांसफरर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो अलग थी, तो उनको मैचिंग करने के लिए आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये पांच कंडीशन है, अगर ये पांचों कंडीशन इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो अमलगमेशन हो जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेस, ठीक है जी। आ गया हो, अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, तो बोलता है बिफोर अटेम्प्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले ये कुछ बातें ध्यान में रखना। सबसे पहला देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म एसेट परचेज एंड द बिजनेस परचेज। एसेट परचेज में ओनली आप एसेट को परचेज करते हो और बिजनेस परचेज के अंदर आप एसेट एज वेल एज लायबिलिटी दोनों को लेते हो। दूसरा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड द ट्रेड लायबिलिटी। लायबिलिटी एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ट्रेड लायबिलिटी भी इंक्लूड होती है, और ट्रेड लायबिलिटी के अंदर सिर्फ व्यापार से रिलेटेड लायबिलिटी जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो है वो क्या आएंगे आपके जो जो आप गुड्स परचेस करते हो, रॉ मेटेरियल परचेस करते हो, सर उनकी लायबिलिटी जिसके अंदर आएंगे आपके ट्रेड पेबल्स, ठीक है ना, वो सब इंक्लूड होते हैं। दूसरा एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो बोलता है ये आपके एक्यूमुलेट प्रॉफिट जो रिजर्व सरप्लस होते हैं ना, जो भी आपके कंपनी की ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट में, तो ये सब जाएंगे किसके पास में, ये जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर उनको ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आगे एक्यूमुलेट लॉस, जैसे रिजर्व सारे शेयर होल्डर के थे उसी तरह अगर कोई नुकसान है बैलेंस शीट के अंदर तो वो भी जो है वो शेयर होल्डर के अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोविजन की अगर बात करते हैं तो प्रोविजन जो है वो क्या है, बेसिकली बैलेंस शीट ऑफन शो करती है सम प्रोविजन, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो प्रोविजन है कम कई बार जो है वो क्या शो की था लायबिलिटी साइड पे, और कई बार एसेट में से जो है उसकी वैल्यू को कम करते हैं। तो जब कभी भी अगर आप पुरानी कंपनी को बंद करेंगे, ट्रांसफर कंपनी को बंद करेंगे, तो जितना भी प्रोविजन है
ठीक है, जो लायबिलिटी साइड पे है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर जो है वो शो कर दिया जाएगा। आगे अब परचेस कंसेशन क्या होगा, परचेस कंसेशन में क्या आएगा, पहले तो ये बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी को जो भी पेमेंट करेगी वो सब परचेस कंसेशन का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है। परचेस कंसेशन में आएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, मतलब बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को, सुनना, बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कोई भी पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो है आपका परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन को निकालने के जो है वो चार मेथड, सबसे पहले लमसम मेथड। लमसम मेथड में कंपनी को अक्वायर किया जाएगा और एक इकट्ठा अमाउंट, लमसम अमाउंट जो है लाइक 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, वो पे कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लमसम मेथड। सेकंड मेथड है नेट पेमेंट, सबसे ज्यादा यही मेथड चलता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के, छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कोई भी पेमेंट किया गया वो सब आएगा किसके अंदर, आपके, बोलो, कंसीडर, वो परचेस कंसीडरेशन का पार्ट बनेगा। जैसे अगर मान लो बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को कोई कैश दिया वो भी कंसीडरेशन का पार्ट है, कोई शेयर दे दिया वो भी कंसीडरेशन का पार्ट है, कोई प्रेफरेंस दे दिया वो भी, अगर बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को डिबेंचर भी दे दिया वो भी उसका पार्ट माना जाएगा। ध्यान से सुनना, तो मतलब ये है कि छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ भी मिलता है बड़ी कंपनी से वो सब जो है वो पार्ट है किसका, परचेज कंसीडरेशन का। तीसरा मेथड एक और है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड के अंदर पीसी कैसे निकलेगा, जो भी नेट एसेट एक्वायर किया गया उसमें से माइनस करेंगे जो नेट लाइबिलिटी जो है वो टेक ओवर किया गया। इसके बाद आएगा जी आपका फोर्थ मेथड है इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अगर मान लो कि इंट्रिंसिक वैल्यू को पहले मतलब समझ लो, अगर कोई कंपनी आज के डेट में लिक्विडेट होगी तो उसके हर शेयर होल्डर की झोली में जो अमाउंट जाएगा, मतलब लिक्विडेट होने के बाद में पर शेयर होल्डर को जो कुछ मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पहले निकाला जाएगा, जो भी कंपनी की एसेट है उनको हम उसका रिलायबल वैल्यू देखेंगे, उसमें माइनस करेंगे लाइबिलिटी, तो वो जो नेट अमाउंट बचेगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो वो आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर जो है वो कंसीडरेशन सेट किया जाएगा। इसके बाद आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो एक अलग चीज है जिसके अंदर बेसिकली कोई नई कंपनी नहीं बनाई जाती है, ना ही पुरानी कंपनी को बंद किया जाता है, बल्कि क्या होता है पुरानी कंपनी जो काम कर रही थी और वो फटीचर तरीके से काम कर रही थी तो वो अपने कैपिटल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करती है, अपने आप को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर क्या, ये क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव बता रखे, आइए। सबसे पहला, कंपनी के ट्रू एंड फेयर पिक्चर को व्यू करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर टू द रियल वर्थ, एंड टू क्रिएट करने के लिए कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर बाय एश्योरिंग देम फेयर रिटर्न ऑन देयर ट्रू इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीज के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ कंपनी, तो बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ओनली एक ही कंपनी इन्वॉल्व होगी, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, दो कंपनी होगी, पुरानी कंपनी को बंद किया जाएगा उसकी जगह उसका सारा काम नई कंपनी को सौंप दिया जाएगा। लिक्विडेशन, अगर बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो एक्जिस्टिंग कंपनी जो है वही चलती रहेगी, कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी फॉर्मेट नहीं होगी, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी को फॉर्मेट किया जाएगा जो पुरानी कंपनी के बिजनेस को एज इट इज टेक ओवर कर लेगी। पर्पस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो पर्पस है वो क्या, कंपनी के ट्रू एंड फेयर पिक्चर को शो करना, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, टेक ओवर करना एग्जिस्टिंग सिक और लॉस मेकिंग कंपनी को। आगे टेक ओवर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी टेक ओवर नहीं किया, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो है पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया जाता है। मेथड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, सब डिविजन करके, कंसोलिडेशन करके, रिडक्शन करके शेयर कैपिटल को, लेकिन जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो कैसे करते हैं, एक कंपनी को लिक्विडेट करके। रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमेशा जो है वो कैपिटल क्या होता है, रिडक्शन होता है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कैपिटल का रिडक्शन नहीं किया जाता है। आगे लीगल पोजीशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को जो है वो सेक्शन 66 जो है वो क्या करता है, गवर्न करता है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को सेक्शन 319 जो है कंप्लीट का वो गवर्न करता है। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, दो मेथड है, एक है आपका बाय अल्ट्रेशन और एक है बाय कैपिटल रिडक्शन। अल्ट्रेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है उसका सिर्फ अल्टर करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। अल्टरेशन के आपके कुछ मोड है, सबसे पहला जो है वो क्या, इंक्रीज द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को आप रिस्क कर सकते हैं कैसे, बाय इश्यू द फ्रेश शेयर, तो उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं, कंसोलिडेशन में क्या होता है, स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर को हम एक लार्जर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 10-10 रुपए के 10 शेयर को 100 रुपए का एक शेयर बना देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंसोलिडेशन। सब डिवीजन के अंदर जो है वो क्या होगा, बड़े शेयर को छोटे डिनोमिनेशन के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे 100 रुपए का एक शेयर था उसको 10-10 रुपए के 10 शेयर बना देंगे, ताकि
मार्केटेबिलिटी जो और भी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब उसकी ये है कि बेसिकली वो जो बड़ा शेयर था उसमें पहले को लोग ज्यादा डील नहीं करते थे, अब अगर वो छोटा हो जाएगा तो काफी लोग उसमें डील करना स्टार्ट कर देंगे। फिर कैंसिलेशन ऑफ द अनइश्यूड कैपिटल, जो अनइश्यूड कैपिटल है उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। फिर कन्वर्जन ऑफ शेयर इंटू स्टॉक, इसके लिए होगा क्या, शेयर कैपिटल जो है खत्म हो जाएगी और टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। तो ये पांच तरीके, इन पांच तरीके से आप अपने कैपिटल को जो है वो उसमें अल्टरेशन कर सकते हो। अब आएगा कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन के अंदर जो है वो कंडीशन तरह है, सबसे पहला कैपिटल रिडक्शन तभी कर सकता है अगर आपके आर्टिकल जो है वो आपको क्या करते हैं ऑथराइज करते हैं कि ठीक है कैपिटल रिडक्शन भी कर सकते हो, तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। दूसरा, कैपिटल रिडक्शन करने के लिए आपने स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास किया हो, उसकी कॉपी जो है वो रिजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को सौंप दी हो। आगे, कंपनी मस्ट फाइल ए पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल, कंपनी जो है वो ट्रिब्यूनल को जो है वो क्या करेगी, पिटीशन फाइल करेगी फॉर ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन। ट्रिब्यूनल फिर डायरेक्ट करेगा कंपनी को और बोलेगा कि अगर आप जब कैपिटल को रिड्यूस कर लो तो आप अपने नाम के पीछे एंड रिड्यूस वर्ड लगा देना, और उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार को भी 3 महीने के अंदर, कोर्ट का जो बोर्ड रहेगा उसके 3 महीने में उसकी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी सौंप दी जाएगी। अब कैपिटल को रिड्यूस कैसे करेंगे, तीन तरीके। सबसे पहला तरीका जो है वो क्या, एस्टिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोल्ड अमाउंट ऑफ शेयर। तो यहां पर जैसे आपने जो है 10 रुपए का शेयर इशू किया था लेकिन 8 रुपए मांगे थे, लेकिन अब आप जो है वो 8 रुपए का ही शेयर बना रहे हो, तो फिर एंट्री क्या किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा, अगर आप जो पेइंग ऑफ करते हो पेडर कैपिटल विच इज एक्सेस, कंपनी को जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी अगर उससे ज्यादा कैपिटल पड़ी है तो आप उनको पेड ऑफ करोगे, तो क्या करोगे, पहले ड्यू करोगे, एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू संडरी शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर पेमेंट करोगे और एंट्री क्या करोगे, संडरी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर कैंसिल करना, राइट ऑफ करना एनी पेड शेयर कैपिटल को, तो उसके लिए जो है वो एंट्री क्या किया जाएगा, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट अलग से ओपन किया जाएगा और एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर मान लीजिए कभी लॉस हुआ, जैसे मान लीजिए अगर जो आपके डिबेंचर्स हैं या ट्रेड पेबल्स हैं अगर वो भी अपना हिस्सा छोड़ते हैं तो फिर वो भी अपने को फायदा हो गया, उसके लिए भी क्या होगा, डिबेंचर जो कि लायबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद में फिर क्या है, रिकंस्ट्रक्शन का जो बैलेंस अब आपके पास में पड़ा है उसका यूज करेंगे आपके बुक के अंदर जो भी प्रीमियम एक्सपेंस पड़े हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इन सबको क्या करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। और लास्ट में अगर मान लो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस बच गया तो उसको आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके जी सर, लो जी ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ। अब आएगा लिक्विडेशन, अब लिक्विडेशन की अगर बात करते हैं तो लिक्विडेशन के लिए वैसे तो पूरा प्रोसीजर हम कंपनी एक्ट जो है अपना लीगल एस्पेक्ट में वहां पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ मेन बातें हैं वो मैं आपको कवर कर देता हूं, आ जाओ एक बार। क्योंकि पहले लिक्विडेशन ना इस तरीके से होता था, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल और एको का वॉलंटरी वाइंड अप, लेकिन अब ये कंडीशन को खत्म कर दिया क्योंकि अब यहां पे आ गया आईबीसी, ठीक है ना, जो बैंकरप्सी एक्ट है वो आ गया, तो उसके हिसाब से जो है वो क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। तो ये कंडीशन तो है आपका कि इन केसेस के अंदर कोर्ट जो है वो क्या करता है, ऑर्डर जो है वो पास ऑन करता है कि कंपनी को लिक्विडेशन किया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की यहां पे चर्चा करूंगा, थ्योरिटिकल हम अपने जो कंपनी एक्ट है उसका जो लास्ट जो पोर्शन था अपना वाइंड अप एंड आईबीसी वहां पे हम कवर करेंगे, आ जाओ एक बार। इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो क्या क्या है, इधर आ जाओ, पेमेंट का प्रोसीजर होता है वो बस थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले तो ये लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी, ये पढ़ के जाना जरूर, लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी होता है जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है और कंपनी के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो ये वो लोग हैं जो जिनसे कंपनी अब क्या करती है, पैसे की डिमांड करती है, ये कंट्रीब्यूटरी। अब कंट्रीब्यूटरी में दो आएंगे, एक आएगा लिस्ट ए और एक आएगा लिस्ट बी। जो कंपनी के करंट शेयर होल्डर होते हैं उनको बोलते हैं लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी, और कंपनी उनको बोलती है कि भाई लिक्विडेशन हो रहा है, पैसे की कमी है, और जो अनकोल्ड कैपिटल हमने आपको छोड़ रखी थी उसको हम कोल्ड अप कर रहे हैं और हमको पैसा दे दो। जैसे 10 रुपए का शेयर था लेकिन 7 रुपए पहले मांगे हुए थे, 3 रुपए अभी अनकोल्ड थे, वो 3 रुपए जो है अब हम मांगेंगे, तो उसको बोलते हैं, जिससे मांगा जाएगा करंटली उसको बोलेंगे लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी। इसके बाद आएगा आपका लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी। लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी के अंदर कौन आएगा, जो कंपनी के करंट शेयर होल्डर तो नहीं है लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर थे उनको बोलते हैं लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी। तो कंट्रीब्यूटरी कौन है, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। जो कंपनी वाइंड अप हो रही है उस टाइम पे कंपनी को पैसे की कमी है, तो उस टाइम पे कंपनी को जो पैसा प्रोवाइड करेगा उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कंट्रीब्यूटरी। अब इसके अंदर दो है, एक है लिस्ट ए और एक है कौन सा, लिस्ट बी। लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी के अंदर कौन आएगा, जो कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डर होते हैं वो आएगा लिस्ट ए में, और लिस्ट बी के अंदर जो है वो कौन आएगा, जो कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डर तो नहीं है लेकिन पिछले 1 साल के पिछले 6 महीने में वो कंपनी के शेयर होल्डर थे उनको बोलते हैं लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी, ठीक है जी। तो ये आपको दे रखा है यहां पे, एक साल विद इन 1 ईयर, ठीक है। इसके बाद आएगा जी आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
जब भी कोई कंपनी ना पिटीशन फाइल करती है कोर्ट में और ये बोलते हैं कि हमको बंद किया जाए, तो वहां पे कोर्ट जो है वो क्या करता है, एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर, जो बेसिकली कंपनी के सारे एसेट्स को सेल आउट करेगा और कंपनी की लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। तो वो लिक्विडेटर जो कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, तो जिस दिन कोर्ट लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के जो ऑफिसर है वो लिक्विडेटर को जो है वो ये सब सौंपेंगे। वो बताएंगे कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, जो भी क्रेडिटर उनका नाम पता बताएंगे, कंपनी किस किसी पैसे लेना है वो बताएंगे, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लिक्विडेटर को चाहिए तो वो देंगे, क्योंकि लिक्विडेटर ने जो एसेट बेचनी है लायबिलिटी का पेमेंट करना उसको पता तो हो। तो इसलिए ये बोला गया कि जब कभी भी कोर्ट लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर देगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है लिक्विडेटर को ये सब स्टेटमेंट जो है वो अपने को देनी पड़ेंगे। आगे अब आएगा लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। अब ये ध्यान रखना, इसके अंदर कौन कौन आएगा, लिस्ट ए के अंदर जो है वो कौन आएगा, लिस्ट ए के अंदर आएगा आपके एसेट जो प्लेज नहीं है, लिस्ट बी के अंदर आएगा एसेट जो आपके प्लेज वाली थी, ठीक है ना। उसके बाद में ये टोटल ऐड होगा, ये तो है टोटल अमाउंट जो आपके पास में क्या है अवेलेबल है, और इसमें से माइनस होगा जब जो पेमेंट है। तो पेमेंट लिस्ट सी के अंदर आएगा आपका, सबसे पहले पेमेंट होगी किसको, प्रेफरेंस क्रेडिटर को, दूसरे नंबर पेमेंट होगी डिबेंचर होल्डर को, तीसरे पे होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, चौथे पे होगी प्रेफरेंस, और लास्ट में होगी किसको, इक्विटी को। तो ये है आपके क्या लिस्ट, इसको अब ये क्या है लिस्ट ए के अंदर। देखो एक तक कॉन्ट्रीब्यूटरी की जो लिस्ट है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, वो तो शेयर होल्डर की बात करता है, लेकिन यहां पे जो हम लेके चलेंगे लिक्विडेशन के टाइम पे वो क्या है, यहां से लिस्ट ए से लिस्ट एच तक ये क्या है, लिस्ट ए में आएगा जो आपके फ्री एसेट्स पड़ी है उनको जब आप बेचोगे जो पैसा मिलेगा वो आएगा लिस्ट ए में, जो एसेट आपने गिरवी के तौर पर रख रखे थे उनसे जो पैसा मिलेगा सरप्लस अकाउंट वो आएगा लिस्ट बी में। ये टोटल अमाउंट आपके पास में अवेलेबल है। अब इसमें से पेमेंट करनी है, पेमेंट सबसे पहले जो है वो होगा किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, फिर होगा आपके डिबेंचर होल्डर, लेकिन ये डिबेंचर होल्डर जिनके ऊपर क्या है फ्लोटिंग चार्ज है, डिबेंचर होल्डर होल्डिंग फ्लोटिंग चार्ज, अगर जो फिक्स चार्ज इनके ऊपर होता तो उनकी पेमेंट नहीं हो जाती। इसके बाद पेमेंट होगा किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल कैपिटल को, और फिर होगा किसको, इक्विटी। और ये पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बच गया पैसा तो सरप्लस है, और अगर कम रह गया तो डेफिशिएंसी है, उसको बोलते हैं लिस्ट एच। अगर कम रह गया तो फिर बुलाया जाएगा किसको, शेयर होल्डर को, उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर को बुलाया जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटर में ए और कॉन्ट्रीब्यूटरी बी, इस तरीके से पेमेंट होगा। तो ये पेमेंट का फॉर्मेट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके जी सर, ये बता रखे यहाँ पे। और जब सब कुछ काम हो जाएगा तो लास्ट में लिक्विडेटर जो है अपना क्या करेगा, फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट जो है वो जारी करेगा। इसके अंदर वो बताएगा कि मैंने यहाँ यहाँ से मेरे पास में जो है वो कैश आया और यहाँ यहाँ पे मैंने उसको जो है वो क्या कर दिया, लगा दिया। तो इस तरीके से जो है क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। अगर पेमेंट ज्यादा, अगर पैसा आया ज्यादा था तो क्या होगा, रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर मान लो कि पेमेंट कम है हमारे पास में, मतलब लोगों को अभी पेमेंट करनी बाकी है और पैसा कम है, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से जो है वो क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। खत्म कर सकते हो क्या जी सर? लो जी, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो डील करता है आपके होल्डिंग कंपनी को। अब होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो जब कभी भी बात आती है होल्डिंग कंपनी का, तो वहां पे दो कंपनी का जिक्र आएगा, एक होल्डिंग और एक साथ में आएगा किसका, सब्सिडियरी का। तो अगर कोई कंपनी जो है वो एक दूसरी कंपनी को क्या करती है, उसको होल्ड करती है, इसका मतलब यह है अगर एक कंपनी के पास में दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो उस कंपनी को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर दूसरी कंपनी के पास में, उस छोटी कंपनी को बोला हम लोग क्या बोलेंगे, क्या सब्सिडियरी कंपनी। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं एक बार होल्डिंग और सब्सिडियरी का क्या ट्रीटमेंट है। होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी विच कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जो बेसिकली जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है, क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, अनदर कंपनी को, कैसे, बाय एक्वायरिंग, या तो एक्वायर करके ऑल और मेजोरिटी ऑफ द शेयर, कैरिंग वोटिंग राइट, और कंट्रोल करके कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो किसी भी तरीके से वो उसको जो है वो क्या कर सकती है, होल्ड कंट्रोल कर सकती है। द कंपनी जिसके शेयर एक्वायर्ड किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्सिडियरी कंपनी। तो जिस कंपनी के शेयर हमने एक्वायर कर लिया उसको बोलेंगे सब्सिडियरी, और जो कंपनी शेयर को एक्वायर करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होल्डिंग कंपनी। तो तीन यहां पे अपने इंडिया के अंदर जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसोलिडेशन, जिसके अंदर जो है होल्डिंग और सब्सिडियरी मिल करके जो है वो काम करती है। मतलब यहां पे इंडिया के अंदर जो है वो ये बोला गया कि अगर आपने किसी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब अगर आपने सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, तो आप अब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, एक तो जो आपके सेपरेट बुक्स और अकाउंट्स बनने हैं वो तो बनेंगे, और साथ में आपको एक CFS और बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो होल्डिंग कंपनी के लिए एक कंपल्शन कर दिया कि आप जो है अपना खुद के खाते जो आप बनाते हो वो तो बनाओगे, लेकिन अगर आपकी कोई सब्सिडियरी कंपनी भी है तो आप एट द एंड में जो है वो क्या करोगे,
एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करोगे, जिसके अंदर आप अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो साथ में क्या करोगे, आप सब्सिडियरी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंक्लूड करके जो है एक अलग से अकाउंट और मेंटेन करोगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो अकाउंटिंग जो आप देखने वाले हो, अकाउंटिंग पार्ट जो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का, मतलब जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किसको बनाने, सब्सिडियरी कंपनी को नहीं बनाने, सब्सिडियरी अपने खाते अलग बनाएगी, होल्डिंग कंपनी जो है वो अपना खाता, होल्डिंग अपना खाता अलग बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है ए कंपनी, वो होल्डिंग कंपनी है, उसने बी और सी कंपनी को जो है वो होल्ड किया हुआ है, तो बी कंपनी अपना खाता बनाएगी, सी कंपनी अपना खाता बनाएगी और ए कंपनी अपना खाता बनाएगी। लेकिन ए कंपनी जो है वो साल के लास्ट में अपने खाते बनाने के साथ साथ वो तो एक सेपरेट अकाउंट हो गया और साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बनाएगी, जिसके अंदर वो ए बी सी और तीनों का एक मिक्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रिपेयर करेगी। ठीक है, अब सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है जिसको कंट्रोल किया है दूसरी कंपनी ने, पेरेंट कंपनी कौन सी है जो जिसकी एक एक से सब्सिडियरी कंपनी का ग्रुप क्या होता है, सब्सिडियरी और होल्डिंग का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्रुप। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की होल्डिंग कैसे बन सकती है, तीन तरीके से। सबसे पहला, बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको उस पे होल्ड करके, मतलब उसके अंदर अपने मेजोरिटी डायरेक्टर को बिठा के आप जो है उसकी होल्डिंग कंपनी बन सकते हो। दूसरा, बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट, 50% से ज्यादा शेयर अगर आप दूसरी कंपनी को होल्ड कर लोगे तो भी आप जो है वो होल्डिंग कंपनी बन सकते हो। और तीसरा, बाय कंट्रोलिंग ए होल्डिंग कंपनी, अगर मान लो मैंने किसी कंपनी को होल्ड किया और उसने किसी दूसरी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, मान लो मैंने बी को होल्ड किया और बी ने सी को होल्ड किया हुआ है, तो सी अपने आप ही जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, सब्सिडियरी, मतलब बी तो मेरी सब्सिडियरी है लेकिन बी की जो भी सब्सिडियरी कंपनी होगी वो भी मेरी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएंगी। तो तीन तरीके से जो है वो हम क्या बोलते हैं कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की होल्डिंग हो सकती है। तीनों तरीके याद रखना, पहला उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके कंपोजिशन पे अपना कंट्रोल करके, दूसरा उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर को एक्वायर करके, और तीसरा उसकी एक कंपनी को, मतलब अगर मेरे को सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बनना है तो या तो मैं सी के सीधा शेयर ले लूं, या मैं अगर सी की जो होल्डिंग कंपनी है बी, अगर मैं बी को होल्ड कर लूं तो सी अपने आप ही मेरे अंडर में हो जाएगी। एक होता है होल्डिंग ओन और एक होता है पार्टली ओन सब्सिडियरी। होल्डिंग ओन सब्सिडियरी क्या होता है, जब हम अगर किसी कंपनी के 100% शेयर या आउट राइट स्टेक बोलते हैं उसको, अगर हम किसी कंपनी के 100% शेयर होल्डिंग को जो है वो क्या कर ले, एक्वायर कर ले, तो उसको बोल देंगे होल्डिंग ओन सब्सिडियरी। एक होता है पार्टली ओन, अगर हम मान लो 100 से कम, 50% से तो ज्यादा है लेकिन 100 से क्या है कम अगर शेयर को एक्वायर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी। पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी के केस के अंदर जो है वो एक टॉपिक आता है यहां पे क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो अगर हमने किसी कंपनी के जो है वो 70% शेयर को एक्वायर कर लिया, तो बेचारे जो 30% लोग रह गए ना, उन 30% के शेयर होल्डिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब आप बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कौन बनाएगा, ये बनाएगी जी पेरेंट कंपनी। जो पेरेंट कंपनी है मतलब जो आपकी होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी बनाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके के बनेंगे, तो वो सब बताया गया है कहां पे, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंदर। ठीक है जी, अब सीएफएस का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो बोलते हैं अलग से जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है, तो जो आपका शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया गया उसी तरीके से आप जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, अब यहां पे बताया गया कुछ बातें। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को एक्वायर किया, उसकी जो वैल्यू थी अगर आप उसे ज्यादा पे कर दोगे, मान लो आपने कंपनी के शेयर एक्वायर करे 1,00,000 रुपए के, लेकिन आपने पेमेंट किया 1,10,000, तो 10,000 की पेमेंट जो आपने फालतू करी उसको बोलते आप लोग क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वैसे गुडविल बोलते हैं लेकिन उसको बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर जो है वो एक्वायर करे 1,00,000 के, लेकिन उसको पेमेंट किया सिर्फ 90,000 का, जो 10,000 की आपने कम पेमेंट करी है वो आपका बेनिफिट हो गया, उस 10,000 को बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। अब आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या आएगा, अगर आपने किसी कंपनी के 100% शेयर को एक्वायर नहीं किया, 50% से ज्यादा करे हैं लेकिन 100% नहीं किए, मान लो 80% किए, तो जो 20% शेयर होल्डर रहेंगे उनको बोलते हैं हम लोग क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा कंप्यूट कैसे करते हैं, उन 20% शेयर होल्डर जो है ना उनके हिस्से की गुडविल, उनके हिस्से का रिजर्व, उनके हिस्से के कोई भी लॉसेस, वो सब उसके अंदर इंक्लूड करके हम लोग जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंप्यूट करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आएगा यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो अपने माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर रहेगी उनकी शेयर कैपिटल आएगी, उनके रिजर्व आएंगे, और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हिस्सेदारी है वो भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब आएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो बताया गया वो कैसा होता है। तो सबसे पहले जो आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी उसका फॉर्मेट ये बताया गया। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड लिखा जाएगा, इसमें आएगी आपकी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल ये तो है होल्डिंग कंपनी का, और साथ में माइनॉरिटी कंपनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो वो भी साथ में शो किया जाएगा। फिर
यहाँ दिखा जाएगा रिजर्व सरप्लस, इसके अंदर आएगा आपका कैपिटल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का, इसमें ऐड करेंगे गुडविल, कैपिटल रिजर्व रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन और माइनस करेंगे इसमें से गुडविल। फिर रेवेन्यू रिजर्व जो होल्डिंग कंपनी का वो भी लिखा जाएगा, कोई सरप्लस प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे जो है लिखा जाएगा, कोई रेवेन्यू प्रॉफिट होगा सब्सिडियरी कंपनी से ये भी लिखा जाएगा, और जो अनलेस प्रॉफिट है ये हम आगे देखेंगे अभी, उसको यहाँ से क्या करेंगे माइनस करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी जो लिखा जाएगा, लेकिन जो म्यूचुअल ओइंग्स होती है उनको लाइबिलिटी में से भी और एसेट में से दोनों में से क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा। फिर यहाँ पे बता रखा है देखो, ये आपका एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली वो गुडविल, आपको मैंने बताया था कि अगर आपने 1,00,000 शेयर किसी कंपनी के एक्वायर करे, पेमेंट कर दिया 1,15,000 का, तो जो 15,000 फालतू पेमेंट किया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर इसमें ऐड करेंगे गुडविल रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन, ये टोटल गुडविल आ जाएगा। इसके बाद में इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल रिजर्व अगर आप करना चाहो तो, मतलब अगर आपने जो है वो कम पेमेंट किया और जो आपका बेनिफिट हो गया था वो आपका क्या हो गया कैपिटल रिजर्व हो गया। फिर यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी जो उसने कर रखी है कहीं पे भी सब्सिडियरी में नहीं, जो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट जो उसने करके सब्सिडियरी कंपनी के अंदर वो आ जाएगा। फिर आएगा करंट एसेट और इसमें से म्यूचुअल ओइंग को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, और जो अनलेस प्रॉफिट है उसको भी क्या कर लेंगे माइनस। ये पॉइंट क्या है वो आगे आपको मैंने पैसे समझाए थे सारे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व, तो देखो यहां पे क्या बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, आइए बोलता है वाइल वर्किंग आउट द अर्ली इलस्ट्रेशन फुल अमाउंट जो था रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो सब्सिडियरी बैलेंस शीट का जो है ट्रीट कर लिया, उसको हमने क्या कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, मतलब देखिए अब कंपनी जो है उसने खाता तो बंद किया मान लो 31 मार्च को, लेकिन हमने जो है किसी कंपनी को अगले साल की 1 मई को एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब 1 महीने का वो जो टॉपिक जो अमाउंट और रह गया ना, तो हम क्या करेंगे जिस दिन आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया उससे पहले के जो प्रॉफिट है उनको बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उसके बाद के प्रॉफिट को बोलेंगे हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को जो है वो क्या मानेंगे कैपिटल ट्रीट करेंगे, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। तो क्या बोलते देखिएगा, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है इन द प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट उसको क्या मानेंगे कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे, और उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कंप्यूटेशन के अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे। और होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होता है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व में उसको जो है क्या मानेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट मानेंगे, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आपने किसी भी कंपनी को जो है वो एक्वायर किया और एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर कर लिया, तो जिस दिन एक्वायर किया उससे पहले के सालों का जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग जो है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कंप्यूटेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। और अगर मान लो आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया, और कब एक्वायर किया आपने उसको एक्वायर किया है जब एक्वायर किया उसके बाद का जो उस कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और उसको रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो ट्रीट करना है। और जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उस रेवेन्यू प्रॉफिट को जो है वो आप क्या करने वाले हो, जो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है उसको पी एंड एल अकाउंट के अंदर जो है वो क्या करोगे इंक्लूड करके दिखाओगे, मतलब होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको इंक्लूड करके दिखाएगी। अब शेयर जो है सब्सिडियरी कंपनी के अगर आपने एक्वायर करे ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए यहां पे बताया हुआ है, ये देख लो एक बार, बोलता है होल्डिंग कंपनी मे नोट परचेज द शेयर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑन विच द सब्सिडियरी कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर सब्सिडियरी कंपनी प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2016 को, और होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर कर लिए 1 जुलाई 2015 को, नोट ओनली होल ऑफ द फाइनेंशियल रिजर्व जो है उसको कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे, बट इन एडिशन करंट ईयर का प्रॉफिट जो है ना अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो जिस दिन आपने शेयर को एक्वायर किया उस दिन तक के जो प्रॉफिट है उनको कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, और ये एज्यूम किया जाएगा कि प्रॉफिट जो है करंट ईयर के अंदर वो एक्वायर होते हैं डे टू डे, एंड हेंस अपोर्शनमेंट ऑफ द प्रॉफिट इज मेड ऑन द टाइम बेसिस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपने कंपनी को जो है वो क्या किया एक्वायर किया, जिस दिन आपने होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी एक्वायर किया उस दिन तक के जो प्रॉफिट है उन सबको कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद के प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा। इसके बाद आएगा अनलेस प्रॉफिट इंक्लूड इन द इन्वेंटरी। अगर मान लो सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई मटेरियल सेल करती है, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कोई मटेरियल सेल करती है, तो पहले वो सब्सिडियरी होल्डिंग थी अलग अलग कंपनी थी, तो उन्होंने जो मटेरियल सोल्ड किया था वो प्रॉफिट के ऊपर बेचा था, यस। लेकिन अगर मान लो वो जो मटेरियल है वो मेरे पास अभी भी स्टॉक में पड़ा है और अब दोनों कंपनी एक हो गई है, तो वो जो मेरे पास मटेरियल पड़ा है मैं अपने आप से प्रॉफिट थोड़ी कमाऊंगा, तो मुझे उसकी जो वैल्यूएशन दिखानी पड़ेगी वो किस पे दिखानी पड़ेगी कॉस्ट पे दिखानी पड़ेगी, लेकिन उस वैल्यू के अंदर जो है प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो अब हम क्या करेंगे जितना प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड है उसको क्या कर लेंगे हटा देंगे। तो ट्रीटमेंट जो है वो क्या किया जाएगा, एक तो उसको प्रॉफिट में से रिड्यूस कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर जो आपने पहले दिखा रखा था टोटल प्रॉफिट आपने तो बढ़ा के दिखा दिया था, क्योंकि आपने उसको बेच दिया था, मान लो सब्सिडियरी ने होल्डिंग कंपनी को बेच दिया और उसने प्रॉफिट चार्ज कर लिया था, तो प्रॉफिट भी अब कम, क्योंकि अब दोनों कंपनी एक हो गई है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और एक तरफ जो आपने स्टॉक बढ़ा के दिखा रखा था उसकी एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, तो स्टॉक को भी क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है उसमें से उसको माइनस करेंगे, और एक जो कंसोलिडेटेड स्टॉक है उसमें से भी उसको क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा।
ठीक है जी। तो ये बता रखा है एज पर AS 21 ICAI ने जो है वो ये बताया, रिकमेंड किया कि फुल अमाउंट जो है अनलेस प्रॉफिट का शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब आगे आइएगा एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल ओइंग। अब ये क्या होता है, म्यूचुअल ओइंग की अगर बात करें, अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन से पहले अगर मान लो ए कंपनी और बी कंपनी दोनों एक दूसरे को सामान बेचती भी थी, ठीक है, तो एक दूसरे के वो डेटर क्रेडिटर भी थे, एक दूसरे से वो बी आर बीपी भी जो है वो क्या करते एक्सचेंज करते थे, उस केस में क्या होगा, जब दोनों कंपनी एक हो जाएंगी तो डेटर में से उतना अमाउंट माइनस किया जाएगा, क्रेडिटर में से भी उतना अमाउंट माइनस किया जाएगा। तो क्या बोलते हैं, व्हेन होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ट्रेड करती है एक दूसरे के साथ में, इट मे रिजल्ट इन कॉमन अकाउंट, तो उसकी वजह से कॉमन अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं, अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनी व्हाइल प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कॉमन अकाउंट। तो वहां पे आप जो है वो क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे कुछ आइटम को, जैसे डेटर क्रेडिटर है तो दोनों में से क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा डेटर का अमाउंट। अगर मान लो ए कंपनी ने बी कंपनी को सामान बेचा और डेटर क्रिएट कर लिए 5 लाख रुपए के, और बी ने दिखा रखे उनको क्रेडिटर 5 लाख रुपए का, तो दोनों को वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंपनी अब एक ही हो चुकी है, तो डेटर क्रेडिटर दोनों में से आपको माइनस करना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बी आर और बीपी दोनों में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर ए कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया हुआ है तो जिसने लोन दिया वो तो उसने तो एसेट दिखा दिया तो एसेट में से माइनस करेंगे, और जिस कंपनी ने लोन लिया वो उसने लायबिलिटी दिखा रखा है तो उसमें से भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है दो कंपनी का आपस में, उनको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके बाद डिबेंचर इन द सब्सिडियरी कंपनी। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया सब्सिडियरी कंपनी डिबेंचर को जो है वो इश्यू किया हुआ है और उसका एक पोर्शन जो है डिबेंचर का सब्सिडियरी कंपनी के वो किसके पास में, होल्डिंग कंपनी के पास में, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो होल्डिंग कंपनी ने जो डिबेंचर ले रखे हैं उसने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है, इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा, और जो सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी लायबिलिटी शो कर रखी है उसमें से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद में फिर आएगा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द सब्सिडियरी कंपनी आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर मान लो आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से कोई भी सब्सिडियरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो उसको कैपिटल रिसीव माना जाएगा और उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कंप्यूटेशन के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। तो बोलता है डिविडेंड रिसीव बाय द होल्डिंग कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, द होल्डिंग कंपनी शुड डिडक्ट द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड इन द सब्सिडियरी कंपनी। इसके बाद डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द सब्सिडियरी कंपनी आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड को जो है वो डिक्लेयर किया गया तो उसको क्या माना जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। इसके बाद रेक्टिफिकेशन वाला केस आ गया, ये जो क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन रिलेटिंग है किससे, कंसोलिडेशन ऑफ द बैलेंस शीट, इट मे बी गिवन दैट द होल्डिंग कंपनी मे रिसीव डिविडेंड। अगर होल्डिंग कंपनी जो है डिविडेंड रिसीव करती है किससे, सब्सिडियरी से, किसमें से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से, और उसको गलती से क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में, होना क्या चाहिए था, उसको कैपिटल रिसिप्ट माना चाहिए था, लेकिन अगर पीएनएल अकाउंट में डाल दिया तो फिर क्या होगा, तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, मतलब ये है आप उसको जो है वो क्या ट्रीट करते हो, आपको ये दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने जो है वो रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, आपने उसको मान लिया क्या प्रॉफिट, जबकि वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, तो अब क्या करोगे, इसका रिवर्सल एंट्री मारोगे और एंट्री जो है वो क्या होगा आपका, वो होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी अकाउंट। इसका इफेक्ट जो है वो क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस जो है आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर वो कम हो जाएगा, और जो डेबिट बैलेंस है शेयर इन द सब्सिडियरी कंपनी वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड जो रिसीव होता है फ्रॉम द सब्सिडियरी कंपनी से, उसका ट्रीटमेंट जो क्या क्या रहेगा, अगर वो इंटरिम डिविडेंड जो सब्सिडियरी कंपनी ने पे किया वो किया है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको कैपिटल रिसीप्ट जो है वो माना जाएगा। तो बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड रिलेट टू द प्री एक्विजिशन पीरियड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एंड इंटरिम डिविडेंड जो रिलेटेड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का उसको माइनस करना पड़ेगा किसमें से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से। आगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर मान लीजिए क्या हुआ, आप जो है होल्डिंग सब्सिडियरी का पंगा चल रहा था, होल्डिंग सब्सिडियरी का आप सीएफएस बना रहे थे, और वहां पे अगर आपने अपने एसेट्स की वैल्यू को क्या किया, रिवैल्यू किया, अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, और अगर वैल्यू कम हो जाती है तो वो आपके लिए जो है वो क्या है, कैपिटल लॉस है। अगर वैल्यू कल को बढ़ जाएगी तो फिर डेप्रिसिएशन में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, आपका रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा ना जी, और डेप्रिसिएशन के बढ़ने से जो है वो आपका रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई, कम होने पर डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, तो आपका जो जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बार ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस होता है उनका रिवैल्यूएशन, वो उसको ट्रीट किया जाएगा क्या, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस, और जो रिवैल्यूएशन करने से, मतलब एसेट्स की वैल्यू को रिवैल्यू करने से जो डेप्रिसिएशन में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको जो है वो क्या माना जाएगा, आपका रेवेन्यू लॉस या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रेड किया जाएगा। आगे अब आएगा इशू बोनस शेयर बाय द सब्सिडियरी कंपनी। अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी जो है वो क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर बोनस शेयर जो है वो इशू किया गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से, तो फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा।
ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, व्हेन द सब्सिडियरी कंपनी इशू बोनस शेयर अदर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से जो है वो बोनस शेयर को इशू किया गया तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे बोनस शेयर को किसमें से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से, और इंक्रीज करेंगे पेड वैल्यू ऑफ शेयर बाय द होल्डिंग कंपनी इन द कॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कैपिटल रिजर्व। तो ये थोड़ा देख लेना एक बार, हालांकि प्रैक्टिकल पोर्शन भी करके आपको मैंने बता दिया था इसका। इसके बाद जो आपका आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो है अपना कौन सा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो टॉपिक आ रहा है आपका जेआईटी, जेआईटी आपका जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। ये आगे जितने भी आप टेक्निक पढ़ोगे ना, जेआईटी हो गया, एबीसी एनालिसिस हो गया, ये आपका काइज़न कॉस्टिंग हो गया, ये सब टेक्निक आपकी जापान के अंदर जो है वो डेवलप हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जापान ने जिस तरीके से तरक्की करी वो सब इन टेक्निक के बेस पर तरक्की किया। ओके, सबसे पहला टेक्निक जो है इसके अंदर आ रहा है जेआईटी। आपको मैंने बताया था जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है वो एक जापानी मैनेजमेंट फिलोसफी है। जेआईटी का मतलब क्या, जस्ट इन टाइम होना चाहिए किसके अंदर, प्रोडक्शन में, जस्ट इन टाइम होना चाहिए परचेसिंग में। ये बेसिकली ये बोलता है कि आपको बेफालतू के अंदर स्टॉक अपने पास में मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे ऑर्डर आएगा उसी टाइम पे आप जो है वो क्या कीजिएगा, प्रोडक्शन कीजिएगा और सामान प्रोवाइड कीजिएगा। अननेसेसरी जगह की जो है वो आपकी, क्योंकि जगह की शॉर्टेज थी वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो वो बम गिरा था तो उसकी वजह से जो है वो जगह की कमी हो गई थी जापान में। अब वहां पे जो है ये बोला गया कि बेफालतू में स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जगह है नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप जब आपके पास में जो है वो क्या है, बेसिकली जब आपके पास में ऑर्डर है तो उसी टाइम पे आप जो है वो क्या कीजिएगा, आप सामान को प्रोड्यूस कीजिएगा। तो वहां पे एक टेक्निक को यूज किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम होना चाहिए इसमें प्रोडक्शन में भी और जस्ट इन टाइम होना चाहिए इसमें परचेजिंग में भी। और इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे, जीरो डिफेक्ट में होगा, जीरो इन्वेंट्री पे होगा, ठीक है। जापान में जगह की कमी थी उसके वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उसके डिजास्टर हो गया था, उसकी वजह से जस्ट इन टाइम टेक्निक को जो है वो लेके आए थे। जस्ट इन टाइम टेक्निक को लेके आने वाले जो हमारे शुरुआत के अंदर जो है वो कौन थे, जापान के ताहिकी ओनो, इन्होंने जो है वो जस्ट इन टाइम टेक्निक को जो है वो क्या किया, लॉन्च किया। मतलब इनको फादर ऑफ जस्ट इन टाइम बोला जाता है। टोयोटा कंपनी ने इसको यूज किया, टोयोटा कंपनी ने इन टेक्निक को यूज करके जो है सबसे बड़ी वर्ल्ड की कंपनी थी जनरल मोटर, उसको हरा दिया था, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं जस्ट इन टाइम क्या बोलते हैं, ये देखो कैसे करते हैं इसको यूज में, वो कैसे करते हैं। तो बोलता है इन्वेंटरी कैसे सबका मिनिमम मेंटेन करना है। अब इन्वेंटरी के अंदर आपको तो तीन आते हैं, एक आता है रॉ मेटेरियल का इन्वेंटरी, एक आएगा वर्किंग प्रोसेस का, और एक आएगा किसका, फिनिश गुड्स का। अब कैसे आप मिनिमम मेंटेन करेंगे, तो रॉ मेटेरियल के सप्लायर से आप बात कर लो कि जब भी मुझे सामान चाहिए तो प्रोवाइड करवा देना, अगर वो आपको ये एश्योरेंस देता है तो अब आपको अपने पास मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो रॉ मेटेरियल की इन्वेंटरी आप इस तरीके से कर सकते हो। फिनिश गुड्स आपको पहले जो है वो एडवांस में बना के रखने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम सेल बुक करेंगे उस टाइम पर आप फिनिश गुड्स को क्या करना, बनाना। और वर्किंग प्रोसेस का मिनिमम इन्वेंटरी मेंटेन करने के लिए हम यूज करते किसको, कैनमैन सिस्टम को। कैनमैन सिस्टम के अंदर ये होता था, पहले कैनमैन से पहले ये था, मशीन वन काम करती थी, फिर वो इंस्ट्रक्शन देती मशीन टू को, फिर मशीन टू काम करती थी। लेकिन अब उल्टा होगा, पहले मशीन टू काम करेगी, मशीन टू इंस्ट्रक्शन देगी मशीन वन को, तो फिर मशीन वन जो है वो क्या करेगी, काम करेगी। तो पहले ही सिस्टम था कि मशीन वन सामान बनाकर मशीन टू को सौंपती थी, लेकिन अब मशीन वन प्रोडक्शन मशीन टू के अकॉर्डिंग करेगी। आगे जब ये कॉन्सेप्ट यूएस में गया तो उन्होंने इसको बोला कि इन्वेंटरी जो है वो क्या है, एनवी है। एनवी का मतलब जो है वो क्या होता है, नॉन वैल्यू एडिट, क्योंकि इन्वेंटरी से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो इट एड नथिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए आप कम से कम इन्वेंटरी को बिजनेस के अंदर जो है वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब जस्ट इन टाइम सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहले स्पेयर पार्ट मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर कब मंगाएंगे, ऑन द एग्जैक्ट डेट को मंगाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे मंगाएंगे जब अपने को क्या है, जरूरत है। दूसरा स्टेट डिलीवरी होगा किसका, प्रोडक्शन फ्लोर ऑफ द इमीडिएट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मतलब जब भी सामान आपके पास आएगा तो सीधा सीधा आप उसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पे उसका क्या है, यूज है। अननेसेसरी वेयरहाउसिंग की कॉस्ट को जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे। आप जो सप्लायर का इंजीनियरिंग स्टाफ है वहां पे भी आप क्या करोगे, विजिट करोगे, और वहां पे आप अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को जो है सप्लायर की बिल्डिंग में लेके जाओगे और देखोगे कि अगर हम ऑर्डर करेंगे तो वो कितने टाइम के अंदर अपने को बना के दे सकते हैं। उस तरीके से आप जो है वो एडवांस के अंदर ऑर्डर उनको देना क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। फिर आप सेटअप टाइम को जो है वो क्या करोगे, शॉर्टन करोगे, ड्रॉप ऑफ करोगे प्रोडक्ट एट द स्पेसिफिक मशीन में, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम अडॉप्ट करोगे जिससे जो है वो इंस्ट्रक्शन देने में जो देरी होती है वो खत्म हो जाए। एलिमिनेट करोगे नीड फॉर द लॉन्ग प्रोडक्शन रन, एंड ट्रेनिंग करोगे एम्प्लॉय को कि वो ऑपरेट करे मल्टी ट्यूड डिफरेंट मशीन, मतलब अगर मान लो कोई एम्प्लॉय नहीं आया तो दूसरा एम्प्लॉय जो उसकी मशीन को क्या कर ले, संभाल ले। एट सेवरल अल्टरेशन करेंगे इन सपोर्टिंग द अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये सब करके हम लोग जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जस्ट इन टाइम टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। जस्ट इन टाइम की वजह से जो है हम वेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जो प्रोडक्ट डिफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, टाइम का जो वेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का जो वेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, इन्वेंटरी वेस्ट खत्म हो जाएगा, वेस्ट में ओवर प्रोडक्शन खत्म होगा, और जो प्रोसेसिंग वेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आगे आइएगा,
छह प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जस्ट इन टाइम टिका हुआ है। एक है रिड्यूस द बफर इन्वेंटरी, जो आप बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं उसको रिड्यूस कीजिए, ट्राई करें जीरो इन्वेंटरी के ऊपर, सर्च करें रिलायबल सप्लायर की, जब कभी भी आप उनको बोलो वो आपको सामान प्रोवाइड करवा दे, रिड्यूस करें लोड साइज एंड इंक्रीज करें फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर, रिड्यूस करें परचेसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूव करें मटेरियल हैंडलिंग। फायदे क्या क्या होगा? सबसे पहला फायदा तो ये है, जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जस्ट इन टाइम पे आपका जो वेस्ट है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ असेंशियल स्टॉक को ही आप अपने पास में रखोगे तो जगह की भी जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास में ज्यादा हो जाएगी, अबंडेंस हो जाएगा। लो लेवल स्टॉक की वजह से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा वो सबका सब क्या हो जाएगा बिक जाएगा, तो इसका मतलब जो आपका जो वोलेटिलिटी जो थी वो भी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। फिर जस्ट इन टाइम एम्फेसिस करता है राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट, मतलब पहली बार में सब कुछ सामान सही बना लेना इस तरीके से, और जेआईटी को फॉलो करके एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आप क्या करोगे डिराइव करोगे, अच्छा रिलेशनशिप आपका जो है वो मेंटेन होगा पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी लोग उनके साथ में, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि कंटिन्यू कम्युनिकेशन होगा कस्टमर के साथ में, और जेआईटी टेक्निक जो है वो जस्ट इन टाइम एडॉप्शन रिजल्ट एलिमिनेशन ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस क्या है अगर आप जस्ट इन टाइम को सिस्टम को अगर आप एडॉप्ट करते हो तो, उसके नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला जेआईटी अप्रोच स्टेट जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक, क्योंकि ये बोलता है कि भाई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि पैसे प्रोडक्शन आप इतना इन्वेंटरी होल्ड करो जितना प्रोडक्शन में चाहिए, अगर कुछ आपने खराब कर दिया तो आपका प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे हाई रिलाई करो सप्लाई पे, अगर सप्लाई ने आपको डिच कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। तीसरा, आप कोई भी बफर मेंटेन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर आ गए तो आप वहां पे काम नहीं कर पाओगे। चौथा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी क्योंकि आप लगातार ट्रांजेक्शन जो है वो क्या करोगे बढ़ाओगे, और इससे जो है वो एनवायरमेंट पे भी बैड इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप बारी बारी ऑर्डर मंगाते रहोगे जिससे जो है वो क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका ज्यादा फ्लो होगा और फॉसिल फ्यूल ज्यादा जलेंगे तो एनवायरमेंट पे बैड इंपैक्ट होगा। ये सब है आपका जेआईटी जस्ट इन टाइम। इसके बाद आएगा जी आपका काइजन कॉस्टिंग। अगर बात करूंगा मैं किसका, काइजन कॉस्टिंग का, तो काइजन कॉस्टिंग जो है ये TQM का ही एक पार्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो पूरी क्वालिटी को मैनेज करने का काम किया जाता है, लेकिन काइजन कॉस्टिंग जो है वो TQM का एक पार्ट है। वो बोलते हैं कि हम धीरे धीरे करके जो है वो क्या करेंगे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे। काइजन कॉस्टिंग का पार्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग भी है, ये एक जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब है चेंज फॉर गुड, मतलब सही अच्छाई के लिए थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे चेंज करेंगे। टोयोटा कंपनी ने इसको खोजा, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट किया। काइजन में कभी भी हम बड़े बड़े इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते क्योंकि बड़े बड़े इंप्रूवमेंट की बात जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एनालिसिस या फिर वैल्यू इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल जो है काइजन कोचिंग का वो क्या, सबसे पहला सभी एम्प्लॉई को जो है वो आप इसके अंदर क्या करना इन्वॉल्व करना, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करेंगे, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ ही कर देंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, अनलिमिटेड स्कोप है इंप्रूवमेंट का, हमेशा ये मानते हैं कि इंप्रूवमेंट हमेशा जो है वो रहती है, देयर इज ऑलवेज द रूम फॉर द इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हमेशा किया जा सकता है, मींस हमारे काम करने का तरीका कभी बेस्ट नहीं होता, हमेशा बेस्ट टेक्निक जो है आपके पास में रहती है। पांचवा, सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स एंड इंप्रूव करेंगे उनको लगातार स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उनके लगातार जो है वो क्या करते हैं चेंज करते हैं, एलिमिनेट करेंगे वेस्टेज को, इंप्रूव करेंगे किसको प्रोडक्टिविटी को। काइजन कॉस्टिंग कहां से आया, तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग से आया, और वैल्यू इंजीनियरिंग कहां से आई, टारगेट कॉस्टिंग से आया। तो अब इसको आगे हम देखते हैं, ये बोलता है जो एनवी है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी जो है उनको क्या करेंगे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये वैल्यू को बढ़ाने बल्कि वैल्यू को क्या करती है कम करती है और ये खर्चा बढ़ाती है, हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे वेस्ट को। टोयोटा ने जनरल मोटर्स को हरा दिया था काइजन कॉस्टिंग को क्या करके यूज करके। मसाकी इमाई जो है वो आपके काइजन कॉस्टिंग के फादर बोला जाता है। काइजन जो दो वर्ड से बना, एक है काई और एक है जेन, काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब क्या होता है बेटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब काइजन कॉस्टिंग जो आई थी आपके यहां पे, ये देखो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला डिसरिगार्ड करो ऑल आइडिया इंप्लीमेंट्स ऑफ, अभी तक आप जो भी काम करते हो उन सबको डिसरिगार्ड करो और नई नई टेक्निक खोजेंगे काम करने की। दूसरा, रिजेक्ट करेंगे होल एग्जिस्टेंट सिचुएशन को। तीसरा, आप परफेक्शन पे काम करेंगे, 40-50% भी अगर इंप्रूवमेंट होती है इतना भी बहुत है, लेकिन एक्सेप्टेबल कोर्स के ऊपर होनी चाहिए। आगे, अलाउ करेंगे एनी मेथड टू यूज देयर नॉलेज एंड पर्सनल स्किल, आइडिया जो होगा ऑफ द प्रोड्यूस बाय मेनी पीपल आर बेटर देन द आइडिया ऑफ द सिंगल पर्सन, और इंप्रूवमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये सब जो है हमारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक है किसके, काइजन कॉस्टिंग के। ठीक है जी, इसके बाद बाकी तो रीडिंग मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। कहां पे आया था, जापान के अंदर आया था, 1950 के अंदर काइजन वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस जापान, और टोयोटा कंपनी ने इसको जो है वो क्या किया था यूज किया था। इसके बाद डिसएडवांटेज देख लो एक बार थोड़ा सा, ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है काइजन के लिए, तो बोलते हैं इट इज बिकॉज इट इज नॉट एनफ टाइम फॉर डीप लर्निंग ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर मान लो अगर ये तो डिसएडवांटेज है, इससे क्या होगा ओवरऑल जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्या करेगा सफर करेगा। दूसरे एडवांटेज जो है डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें कंप्लीट चेंज, मान लो ये काइजन को जो कॉस्टिंग है, काइजन
जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या होता है, कंप्लीट चेंज की रिक्वायरमेंट होती है एटीट्यूड और कल्चर में, और जिसकी वजह से कमिटमेंट चाहिए होता है किसका, एम्प्लॉय का। तो बिना उनके जो है वो डिफिकल्ट है, और अगर एम्प्लॉय अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर आप काइजन को काइजन टेक्निक को जो है वो अपने बिजनेस के अंदर एडॉप्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आया जी आपका एबीसी, नई टेक्निक आया कौन सा, एबीसी, खर्चों को एलोकेट कैसे करना, जो फिक्स नेचर के एक्सपेंस है उनको एलोकेट कैसे करना, तो उनके एलोकेशन के लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक लॉजिकल वे है क्या करने का, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है ना। तो जो फिक्स ओवरहेड है, जो वेरिएबल ओवरहेड है वो तो पता ही है हमको किसके ऊपर कितना कितना खर्चा है, लेकिन जो फिक्स ओवरहेड है वो टोटलिटी के ऊपर लगते हैं, तो उनका एलोकेशन कैसे करना उसके लिए आपका आया एबीसी। एबीसी यहां पे जो है वो अलग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये टेक्निक अलग है, ये मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की टेक्निक है, और जो आप पढ़ते हो इन्वेंटरी के अंदर एबीसी वो अलग टेक्निक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो है आपके कितना इन्वेंटरी मेंटेन करना है उसकी, और ये है कि कितना खर्चा होता है फिक्स को, फिक्स को उसका एलोकेशन कैसे करना उसके लिए आपका एबीसी टेक्निक है। तो एबीसी एक लॉजिकल वे है क्या करने का, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब ये जहां हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट का एक प्रोपोर्शन जो है हमेशा हमें मालूम है कम होता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये आमतौर पे क्या होती है, ज्यादा होती है, और इन दोनों को मिला के क्या बनती है, टोटल कॉस्ट। अब जो कंपनी, पहली बात तो एबीसी टेक्निक आती है किसके लिए, ऐसी कंपनी के लिए जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होती है, मतलब जो बहुत सारे सामान जो है वो क्या करती है, बनाती है। तो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए जो है वो ये बोला गया कि वो जो है वो क्या करेंगे, ये तो आपका वेरिएबल खर्चा है, ये ट्रेसेबल नेचर का है, लेकिन जो आपके अदर खर्चे होते हैं लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनवेरिएबल है, इनको कैसे एलोकेट करना अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके लिए बेसिकली ये कौन सा एबीसी टेक्निक। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम ये बोलता था कि जो हाई यूनिट वाले खर्चे, हाई यूनिट वाले यूनिट, जो हाई वैल्यू वाले यूनिट है उसके ऊपर ज्यादा खर्चे लगाओ। एबीसी का यूज है वो कहां पे है, जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है वहां पे यूज होता है। एबीसी आया उसने कहा कि ऐसा जरूर नहीं है कि खर्चा एक्टिविटी के बेस पर एलोकेट किया जाए। तो एबीसी में अब क्या होगा, हम यहां पे सबसे पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेस पर जो है वो फिक्स कॉस्ट को जो है वो क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, ठीक है जी। यहां पे एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, एक्टिविटी के बेस पर फिर हम जो है वो ये देखेंगे अलग अलग एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी आपके, अब हम क्या करेंगे एक्टिविटी के बेस पर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एक्टिविटी पे कितना कितना खर्चा आ रहा है, और उसके बेस पर देखेंगे कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी एक्टिविटी हुआ, और फिर उसके हिसाब से क्या हुआ, खर्चे का एलोकेशन होगा, ठीक है जी। मेथड के चार्जिंग फैक्ट्री ओवरहेड, जो आपका फिक्स नेचर के जो खर्चे हैं उनको चार्ज करने के तीन मेथड है, एक होता है सिंगल रेट या ब्लैंकेट रेट, एक होता है डिपार्टमेंटल रेट मेथड, और एक होता कौन सा, एक्टिविटी। एबीसी मेथड जो है वो डिपार्टमेंटल रेट मेथड जैसे ही है, लेकिन ओनली डिफरेंस ये है कि यहां पे रेट जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंटल वाइज। अब क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, सबसे पहले आप लिस्ट लेंगे वो सब एक्टिविटी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, फिर बाइफरकेट करेंगे एक्टिविटी को दो पार्ट में, एक है आपकी प्राइमरी और एक है कौन सा, सेकेंडरी। इसके बाद क्या करोगे आप, कोर्स डेटा जो है वो क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, ग्रुप द कोर्स डेटा एक्टिविटी वाइज, इसमें एलोकेशन करेंगे ओवरहेड को, फिर जो कॉमन खर्चा है चार्ज करेंगे कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टू ईच एक्टिविटी, चार्ज करोगे सेकेंडरी एक्टिविटी कॉस्ट टू प्राइमरी एक्टिविटी, फिर टेक दी टोटल, जो टोटल ओवरहेड आ गया ना प्राइमरी एक्टिविटी का उसको बोलते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पूल, और ये जो एक्टिविटी कॉस्ट पूल आएगा इसको ड्राइवर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और वो आ जाएगा हर एक्टिविटी का एक्सपेंस, और उसके बेस पर आप लोग जो है वो खर्चे को एलोकेट करोगे, ठीक है जी। अब कौन कौन से फैक्टर जो प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी को, तो बोलते हैं ग्रोइंग ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है ये हो गया, दूसरा इंक्रीज मार्केट कॉम्पिटिशन, तो और तीसरा जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, ये वो सब फैक्टर हैं जो आपको प्रमोट करते हैं कि आप एबीसी के बेस पर जो है वो खर्चे का एलोकेशन करेंगे। अगर इस एबीसी के बेस पर करोगे तो लॉजिकल एप्रोप्रिएशन किया जाएगा खर्चे का, नहीं तो फिर जो एप्रोप्रिएशन है वो सही नहीं होगा। तो कहां सुटेबल है, ऐसी जगह पे सुटेबल है एबीसी टेक्निक जहां पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस होती है, और जहां पे स्टिफ कंपटीशन है, और जहां पे अपने को प्रॉपर प्राइस डिसाइड करना होता है, तो वहां पे हम बेसिकली एबीसी टेक्निक को यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है एबीसी को अगर यूज करेंगे, कॉस्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, दूसरा मोर लॉजिकल एलोकेशन होगा ओवरहेड का, बेटर प्राइसिंग आएगा, एंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते किसको, नॉन वैल्यू एडेड आइटम को। और लिमिटेशन क्या है इसका, एक्सपेंसिव मेथड है, दूसरा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, और जो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है वहां पे नहीं लेता क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए जो टेक्निक बनाई गई है। रिक्वायरमेंट क्या एबीसी के लिए, स्टाफ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको अवेयरनेस होना चाहिए एबीसी के बारे में, और ड्राइवर का सिलेक्शन करना ये जरूरी है क्योंकि जो खर्चे होंगे वो ड्राइवर के बेस पर, क्योंकि जो आप कॉस्ट पूल बनाओगे वो ड्राइवर के बेस पर ही, तो आप क्या करोगे उसको एलोकेट करोगे, ठीक है। इसके बाद एबीसी हम अपने काम करने ज्यादा, फिर आएगा डिसीजन मेकिंग मॉडल। अगर आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी है, मान लीजिए अगर आपको ये देखना है कि मैं सामान को बनाए
या फिर हम परचेज करके आए तो उसके लिए आएगा आपका डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जब भी करनी होती है सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो, उसके लिए आप अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढते हो, फिर उसके बाद आप कोस्ट और बेनिफिट को बेनिफिट देखते हो हर अल्टरनेटिव का, उसको आइडेंटिफाई करते हो, फिर एग्जामिन करते हो टोटल रेलिवेंट कोस्ट बेनिफिट होता है ईच अल्टरनेटिव, उसके बेस पे फिर आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर और एथिकल इशू को बेसिस करते हो और सिलेक्ट करते हो उस अल्टरनेटिव को जो सबसे क्या होता है बेस्ट होता है। हालांकि इसके लिए मैंने आपको पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी बताया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे क्लास में, वो जरूर करके जाना। इसका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो सिर्फ परचेस प्राइस से उसको जो है वो आपस में कंपेयर मत कीजिएगा। आप ये देखिएगा एक सामान को परचेस करने पे उसके शुरू से लेके एंड तक का कितना खर्चा लगेगा और उसके बेस पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। जैसे अगर मान लो पुरानी गाड़ी लूंगा तो मेरे को मिलेगी मान लो 10 लाख की और नई गाड़ी लेकर वो 25 लाख की, लेकिन पुरानी गाड़ी लाके मेरे उसे टायर चेंज करने 1 लाख रुपए की, उस पर इंजन पे खर्चा करना 1 से 2 लाख रुपया, उसको पेंट पुंट कराना पड़ेगा, रिफेब्रिश करवाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप किसी भी एसेट को परचेस करेंगे तो आप ये देखिए उसके लाइफ टाइम का कितना खर्चा लगेगा, उसके बेस पर आप जो है वो दो एसेट को आपस में क्या करेंगे कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप जो है वो क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे एसेट की लाइफ साइकिल कॉस्ट, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि उसके परचेस पे खर्चा, उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा, ऑपरेटिंग ऑपरेशन पे खर्चा, मेंटेनेंस पे खर्चा, फाइनेंसिंग पे खर्चा, डेप्रिसिएशन पे खर्चा और डिस्पोजल पे, ये सारे खर्चों को आप जो है वो क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे और उसके बेस पर डिसीजन लेंगे कि अपने को ए एसेट परचेस करनी चाहिए या फिर बी लेनी चाहिए। आगे अब ये बता रखे पर्पस कि कहां पे आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो क्या है आपकी यूजफुल है। सबसे पहला चूज बिटवीन टू और मोर एसेट, जहां पे आपको दो या दो से ज्यादा एसेट पे सिलेक्शन करना होगी, कौन सी एसेट को सिलेक्ट करें, तो वहां पे आप डिसीजन करते हो किसके बेस पर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेस पर। जहां पे आपको एसेट के बेनिफिट देखना हो कि एसेट से टोटल बेनिफिट कितना है, तो सिर्फ परचेस प्राइस से आप जो है कंपेयर करके नहीं देखोगे, आप क्या करोगे कंप्लीट चेक करो कि अगर उसको हम यूज करते हैं तो कंप्लीट बेनिफिट अपने को कितना मिलेगा, मतलब पूरे साल में पूरे लाइफ टाइम जो एसेट की लाइफ टाइम है वहां तक अगर इसको हम यूज करेंगे तो अपने को कितना उससे जो है रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना उस पर खर्चा आएगा। तो एक एसेट से अगर आपको बेनिफिट डिटरमाइन करना तो उसके लिए हम यूज करते हैं। क्रिएट करने के लिए एक्यूरेट बजट, एक्यूरेट बजट बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ ये देखना भाई है सिर्फ 5 लाख रुपए की, लेकिन भाई उसको लाने पे खर्चा भी तो बहुत सारा लगेगा, तो अगर आपको बजट में एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आप जो है वो क्या करते हो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को यूज करते हो। इसके बाद आएगा जी टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग जो है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम ये भी जापान के अंदर इस मेथोलॉजी को जो है वो क्या किया गया यूज किया गया। टारगेट कॉस्टिंग जो है उसमें क्या दिक्कत थी एक बार इसको पहले समझते हैं। देखिए टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या था, पहले क्या होता था कि हम लोग पहले सामान को बनाते थे और बनाने के बाद उसका रेट डिसाइड करते थे, लेकिन जापान के अंदर जो है वो उल्टा हुआ। जापान के अंदर ये देखा गया कि वर्ल्ड वॉर के बाद में ना दो दिक्कतें अपने सामने जो है वो आई। अब दिक्कत क्या क्या थी, एक तो दिक्कत थी अपने को जगह की कमी और एक थी लेबर की कमी। तो अगर मैंने सामान बना बना के ढेर मार दो लोग उसको परचेज ना करें तो भी दिक्कत थी। तो यहां पर यह बोला गया कि अब पहले आप एक काम करो, आप ना लोगों के पास में जाओ और एनालाइज करो कि आप उनसे पूछो कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस प्राइस में ले सकते हैं और उसके प्राइस में आप ये देखो कि क्या आप उस रेट के ऊपर सामान को बना सकते हो। वहां पे टेक्निक आया किसका, टारगेट कॉस्टिंग का। तो फर्स्ट टाइम जापान के अंदर जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो प्रॉब्लम अराइज हुआ, जो जापान में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हिरोशिमा नागासाकी डिस्ट्रक्शन जो हुआ उसके बाद में दो दिक्कतें आई थी, एक आया था जगह की कमी का और एक आया किसका लेबर की कमी का। जगह की कमी इसलिए थी क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से जगह खत्म हो गई थी और लेबर की कमी ये थी कि बहुत सारे जो लेबर थे वो सोल्जर बनकर जंग में चले गए थे। तो आप सामान कस्टमर के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमें सामान बनाकर भेज दिया और कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर फायदा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर के पास गया और बोला कि आप बताइए आपको कैसी स्पेसिफिकेशन का सामान चाहिए और आप उस स्पेसिफिकेशन के सामान के लिए आप कितना प्राइस पे करने के लिए एबल है। इन सबको देखते हो जापान में कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हुए डेवलप हुए, लाइक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट, काइज़न, जस्ट इन टाइम एक्टिविटी, ये सब। आगे इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कौन लेके आया, टाटा मोटर ने अडॉप्ट किया। इंडिया में इसका एग्जांपल है आपकी टाटा नैनो। टाटा नैनो को जो बेचा था ना, सबसे पहले पता है क्या किया गया, सबसे पहले लोगों से पूछा गया कि अगर मान लो एक गाड़ी बनाते हैं तो आप बताइए आप उसको कितने में ले लेंगे। लोगों ने बताया कि हम मान लो 1 लाख में परचेस कर लेंगे, फिर गाड़ी को जो है वो 1 लाख के हिसाब से क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। तो यहां पर बता रखे टाटा रतन टाटा जा रहे थे, उन्होंने बारिश में फैमिली को भीगते हुए देखा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि काश ये लोग जो है वो कार ले सकते। तो आंसर ये था कि क्यों नहीं लिया उन्होंने कार, तो आंसर आया कि कांट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं जो हूं वो क्या करूंगा, एक ऐसी कार बनाऊंगा जिसके अंदर बेसिकली जो ऐसे लोगों को भी जो ये लोग भी जो है उसको इजीली अफोर्ड कर पाए। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि कितने तक की ले सकते हैं, तो वो बोले कि टारगेट प्राइस है 1 लाख रुपए तक की ले लेंगे। तो रतन टाटा बोले कि ठीक है अब हम बनाएंगे 1 लाख रुपए के अंदर कार, 10,000 का उसमें प्रॉफिट होगा, 90,000 रुपए जो है वो कार को बनाने पे क्या आएगा खर्चा। अब देखना 90 में कार बन सकते नहीं बन सकती, इसको बोलते टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्ट कितना था 90,000 का। पहले इंडिका एक कार आती थी उसका कॉम्पैक्ट वर्जन जो है बनाया, बट उसकी कॉस्ट ज्यादा आई तो कॉस्ट रिडक्शन स्कीम को जो है स्टार्ट किया और कार बना दी।
बाद में लोग चुप नहीं बैठे, उसके बाद ये लोगों को लगा कि यार कॉस्ट कम करनी है तो एक दो फीचर हटाओ, बट फीचर को कम करेंगे तो इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे बोलते हैं क्या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भाई फीचर को कम तो नहीं करेंगे लेकिन कॉस्ट कम करनी है तो उसके लिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कीजिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब काइज़न कॉस्टिंग। तो बोले कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है जिससे हम लॉन्ग रन में जो है वो मार्केट में अपना मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। अब उसके लिए थोड़े थोड़े चेंज जो हमने क्या करे स्टार्ट करे और गाड़ी बनाकर दे दी, ठीक है। अब टारगेट कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं जो सामान बनाने, फिर उसमें स्पेसिफिकेशन जो है वो डालते हैं, उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं, डिजाइड प्रॉफिट जोड़ते हैं और फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा होता है। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो है वो जो गुड्स बनाने उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन के बेस पर टारगेट सेलिंग प्राइस को हम किस सेट कर लेते हैं, उसके बेस पर हम देखते हैं उसके अंदर अपना प्रॉफिट देखते हैं। मान लो टारगेट प्राइस लोगों ने बोल दिया 1,00,000 रुपया, हम देखेंगे उसमें हमारा प्रॉफिट कितना 10,000, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई 90, उसके बेस पर फिर अब हम जो है वो क्या करेंगे डिजाइनिंग सेट करेंगे। तो ये दोनों के अंदर जो है वो क्या है डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका टारगेट कॉस्टिंग। इसके बाद एक आएगा आपका बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अब बजट बजटिंग बजटरी कंट्रोल तीन टॉपिक आएंगे। बजटिंग क्या होता है, बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग करके एंड रिजल्ट जो आपके पास में आता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या बजट। और जब आप बजट को कंट्रोल डिवाइस के तौर पर यूज करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या बजटरी कंट्रोल, ठीक है जी। अब बजटिंग क्या है, तो बजट बनाने की प्रक्रिया, बजटिंग इज ए काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस अकाउंटिंग है जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है फ्यूचर की उसको मेट किया जाएगा पेपर में बिफोर द ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर। बजटरी कंट्रोल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है किसकी कंट्रोल की। तो कंट्रोलिंग करने के लिए हम बजटरी कंट्रोल को यूज करते हैं। जब हम कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो है वो बजट को इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग क्या बजटरी कंट्रोल, ठीक है जी। इसके बाद बजट बजटिंग बजटरी कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस है, तो बोलते हैं बजट एंड बजटिंग जो है नैरोर कॉन्सेप्ट है जबकि बजटरी कंट्रोल एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। बजट जो है वो क्या है, आर द बिजनेस एस्टिमेट है फ्यूचर पीरियड के लिए। बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम फॉर अचीव द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ बजट। बजट और बजटिंग जो है वो पार्ट है प्लानिंग का जबकि बजटरी कंट्रोल जो है वो पार्ट है किसका कंट्रोल का। आगे लिमिटेशन क्या है इसका, लिमिटेशन ये है बजट जो है ओनली क्या है प्लान एस्टिमेट होता है। दूसरा बजटिंग जो है वो जो है वो मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बजट आपको सिर्फ हेल्प करेगा मैनेजमेंट करने में लेकिन आप ये सोचो कि बजट बना लिया उसके बाद मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे ऑपरेशन और बजट प्लान जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, आपको उसको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आगे टाइम इफेक्ट, आपने बजट जब बनाया और उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट किया, दोनों में अगर डिफरेंस आ गया तो फिर बजट आपका क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। प्रोहिबिटिव कॉस्ट, बजट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा आती है, तो ये भी एक अपने लिए जो है वो क्या होता है दिक्कत होती है। दूसरा इफेक्ट है चेंजिंग कंडीशन, आपने बजट तो आज बना लिया लेकिन एनवायरमेंट डायनेमिक है, एनवायरमेंट में चेंज हुआ और उसकी वजह से जो है वो क्या होगा पूरा बजट आपका फेल हो जाएगा। कंसर्न है मैनेजर इनिशिएटिव का, मैनेजमेंट भी जो है वो आपको साथ नहीं देती है तो ये भी एक दिक्कत है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव, हर फंक्शनल एग्जीक्यूटिव ये सोचता है कि मुझे जो है वो ज्यादा अपोर्शनमेंट मिले फंड्स का, तो ये भी उनके बीच में आपस में झगड़ा भी हो जाता है। अब बजट का क्लासिफिकेशन बता रखा है, पीरियड के बेस पर तीन तरीके हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म और एक कौन सा करंट। करंट बजट होता है जो एक साल के लिए बनाते हैं, शॉर्ट टर्म बजट 1 से 3 साल और जो लॉन्ग टर्म बजट है 3 से लेकर 7 साल। फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर बजट बनता है दो तरीके से, एक और फिक्स जिसमें सेम कैपेसिटी वाला और एक होगा कौन सा फ्लेक्सिबल जिसके अंदर बेसिकली कैपेसिटी चेंज होती रहती है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर ये बात ध्यान रखना कि आपका जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो क्या होता रहेगा चेंज होते रहेगा, लेकिन मेन बात उसके अंदर क्या है फिक्स नेचर के खर्चे हमेशा क्या रहेंगे फिक्स रहेंगे। और जो सेमी वेरिएबल नेचर के खर्चे आपको डिफरेंस बताया था मैंने वहां पे, सेमी वेरिएबल में दो तरह के खर्चे होंगे, एक होगा फिक्स और एक होगा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग खर्चा जो है आउटपुट के हिसाब से क्या होता रहेगा चेंज होते रहेगा। आगे इसके फंक्शन के हिसाब से दो तरह का बजट है, एक है मास्टर और एक है फंक्शन। अलग अलग फंक्शन का जो बजट बनता है उसको बोलते हैं फंक्शनल बजट, सभी फंक्शनल बजट को जोड़ के जो बजट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या मास्टर बजट। इसके बाद जीरो बेस बजटिंग, डिनोवा बजटिंग, डिनोवा बजटिंग या जीरो बेस बजटिंग एक टेक्निक है। इसके अंदर हम लोग जो है वो जो भी बजट बनाएंगे उसके अंदर हर आइटम जो है उसका क्या मिलेगा जस्टिफिकेशन मिलेगा। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जो भी बजट बनाया जाएगा उसका जो भी एस्टिमेट होगा उसके लिए स्टार्टिंग से आपके पास में जो है वो क्या होना चाहिए बेस होना चाहिए। कोई भी आइटम आप पास की फिगर को जो है वो बेस लेकर नहीं चलेंगे, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसको जीरो बेस बजटिंग को। ओके जी सर, चलो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 5 तक का काम, इसको आप एक बार निपटाइए, बाकी का काम जो है वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं दिसंबर के लिए, हमने बैच शुरू कर रखा है दिसंबर 2022 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, तो उसके लिए आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। दी बेस्ट क्वालिटी है आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप ये बात देख लीजिएगा, कोई भी मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी इंस्टीट्यूट वाले जो है वो इतने तरीके से जो है वो सब कुछ फ्रेमिंग करते होंगे, तो हमने बहुत बेस्ट तरीके से जो है वो सब कंटेंट को फ्रेम किया हुआ है। हर एक लेक्चर आपको मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो छोड़ रखा है हमने। दूसरा
एक्चुअल में जब आप पढ़ाने जाओगे तो वहां पे इन कॉन्सेप्ट्स के बहुत ज्यादा, अब वो इन कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी, और किस तरीके से पढ़ाना है, इफेक्टिव वे में कैसे पढ़ाना है, वो भी बहुत चीजें आपको जो है वो क्लासेस के अंदर सीखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। प्लस डेमो के अगर आपको वीडियो देखने, तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।